Namaste, everybody. Namaste. Okay, some of you. आप ऐसे रहे कोई बात नहीं. How you all feeling? अच्छा ये इस साइड से आवाज आ रही है, इस साइड से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है. यू नो ऐसा इम्बैलेंस हो गया है. बालकनी से भी कहीं आवाज है, हल्की हल्की आवाज आई. ओके सी इट्स अ मेगा 2020. मुझे ऐसा लगता है ये मेगा 2020 है. इट्स नॉट अ स्मॉल 2020. ये कोई यू नो मामूली 2020 नहीं है. ये मेगा है. मेगा मतलब बड़ा, मेगा मतलब विशाल, मेगा मतलब ह्यूज, मेगा मीन सुपर ह्यूज. तो ये सुपर ह्यूज 2020 है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्रोग्राम, मैं आने वाले साल की बात कर रहा हूं. सुपर ह्यूज है कि नहीं है? तो फिर उसका स्वागत भी एकदम अलग ढंग से होना चाहिए, राइट? तो हाउ आर यू ऑल? अरे अब थोड़ी जान आई, थोड़ी सी जान है. बालकनी, हाउ आर यू ऑल? अरे बालकनी इज मच मोर पावरफुल देन यू गाइस. कम ऑन यार, ये वो बच्चे हैं स्कूल के, याद रखो. एंड सिंस इट्स अ मेगा 2020, लेट मी गिव यू अ फेवरेट वर्ड ऑफ माइंड. मेरा एक फेवरेट शब्द है, कुछ लोगों को मालूम है जो क्रिसेलियंस हैं, दे नो दिस वर्ड. सम ऑफ यू आर नॉट क्रिसेलियंस, आई रिक्वेस्ट दैट यू बिकम क्रिसेलियंस सून. ये उनको मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ. एक मेरा बड़ा प्यारा सा सुंदर सा वर्ड है, अद्भुत, राइट? सो मैं आपसे बोलूंगा कैसे हो आप लोग, तो आप लोग सब जोर से क्या बोलोगे? अद्भुत. सो आप लोग कैसे हो? नाउ लुक एट ईच अदर. एक से एक अद्भुत आइटम बैठा है बगल में, देखो ना. इस प्रोग्राम की इतनी उत्तेजना थी, इतनी एक्साइटमेंट थी. वन ऑफ द क्रिसेलियंस वो सुबह सुबह 7 बजे आ गया इधर, एंड ही वाज आउट. किधर है वो? ओ उधर है, हाँ, वो देखो वहां बैठा हुआ है. एंड 7 बजे आके ही वॉज वरिड, अरे मैं बाहर रह गया, हॉल बंद हो गया, गेट बंद हो गया, प्रोग्राम चालू हो गया. एंड ही हैड गॉट हिज वाइफ अप इन द मॉर्निंग, उठ 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 उठ, उसको 6 बजे से उठा के तंग करके उसको यहाँ लेके आया. एंड पूरी फैमिली, वाइफ, फैमिली एंड आर नेबर्स वाइफ, ऑल दोस पीपल दे केम हियर, ये सब आए और यहाँ गेट बंद. उसको लगा मैं लेट हो गया. फिर थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज हुआ, यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है. एंड देन ही सेड, ये ऐसा तो नहीं कि ये प्रोग्राम जो है डेट चेंज हो गई हो, कुछ हुआ था. नहीं, चेक द अगेन द इंटायर इनविटेशन, एंड मालूम पड़ा कि शाम को 7 बजे था. ये भाई इतना अद्भुत था कि सुबह ही 7 बजे पहुंच गया. द एक्साइटमेंट ओमेगा एचएम, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट मेनी इयर्स, एंड द वे यू ऑल हैव कम हियर, द वे यू ऑल हैव कम हियर टू शो दिस एक्साइटमेंट, मुझे लगता है कि आप लोग ना एकदम जबरदस्त लोग हो, कि आप लोग नए साल की शुरुआत, कम से कम शुरुआत तो अच्छी करती हो. मैंने व्यंग कसा है, व्यंग. तो जैसे जिम की मेंबरशिप होती है ना, तो आप लोग साल के शुरू में जिम मेंबरशिप ले लेते हो, तो हर साल जो है मेगा एचएम इज ओवर पैक्ड. वी आर पीपल यू नो जिनको लास्ट में थोड़ा होश आता है कि हमें आना चाहिए, एंड फिर वो लास्ट में गेट क्रैश करते हैं. दैट्स हाउ दे मैनेज टू ऑक्यूपाई समबडी सीट, एंड देन समबडी हू हैड ऑलरेडी बुक 2 डेज 3 डेज 1 वीक बिफोर, वो बेचारे नीचे बैठते हैं. कोई बात नहीं, इट्स ओके. सो ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत तो अच्छी हुई है. इस शुरुआत को अच्छी करने के लिए लेट्स वेलकम इट विथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कनेक्टेड, अलाइन्ड टू मेगा 2020. तो हम क्या करेंगे, 15-20 सेकंड, आधा मिनट तक हम लोग एक हंगामा करेंगे. तो मुझे आपका हंगामा देखना है. देखो मेरी जो है ना इस समय ना तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं उसको कारण नहीं बनाऊंगा हंगामा ना करने का, ठीक है? और मुझे कोई भी आइटम ऐसे दिखाई दिया जिसकी तबीयत ठीक होने के बावजूद भी वैसे बीमार दिख रहा है, उसको सोलो परफॉर्मेंस कराऊंगा, कसम से बोल रहा हूं. तो अगर तुम्हें कोई हक नहीं है वहां बैठ के आराम से एसी के अंदर ऐसा बैठने का, बिल्कुल हक नहीं. अभी कुछ हाथ में उठो 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 ऐसे. सो अगले 15-20 सेकंड, आधा मिनट, जब तक मेरा दिल चाहेगा हम हंगामा करेंगे, राइट? आई विल प्ले सम म्यूजिक हियर, मेरी टीम म्यूजिक बजाएगी और मुझे आपका एक्साइटमेंट देखना. अरे रुक जाओ, थमा थमा. तो मुझे आपका एक्साइटमेंट देखना है, मुझे आपका जोश देखना है, मुझे आपका जुनून देखना है, मुझे आपका पागलपन देखना है, मुझे आपका वेलकमिंग देखना है 2020 को. विल शोट मी बालकनी. ओके लेट्स हैव सम म्यूजिक. एंड उसके लिए क्या करोगे? एक मिनट, उसके लिए क्या? अब बैठे बैठे तो भजन ही होगा, राइट? सो आई वांट यू अप ऑन योर फीट, कम ऑन, अप ऑन योर फीट. अच्छा अभी बैठे हुए 5 मिनट नहीं हुए थे, कुछ लोग इंस्टॉलमेंट्स में उठे. ये बोला यू हैव टू गेट आउट विद एनर्जी, आई वांट टू शो सम एनर्जी. अच्छा अभी ना तुम लोग फिर दोबारा बैठो ना, मजा नहीं आया. आई डिडंट सी यू, आई वांट स्प्रिंग्स अंडर योर फीट. ऐसा मैं बोलूं उठो तो ऐसा उठना चाहिए, तुम लोगों ने ऐसा उठना चाहिए. डोंट वरी अबाउट द चेयर, टूटेगा कुछ नहीं होगा, राइट? ऐसा स्प्रिंग के माफिक उठना चाहिए. आई वांट टू सी लाइवलीनेस, आई वांट टू सी एनर्जी, आई वांट टू सी द जोश ऑफ मेगा 2020 इन ऑल ऑफ यू, राइट? जैसे ही बोलूंगा 1 2 3 ऐसा, अरे मैंने बोला
अद्भुत हो यार तुम बहुत. Don't worry, you will jump, you will not touch the ceiling. Don't worry, aisa nahi hone wala hai. But I want you to be excited about it because physically, mentally, emotionally, jab tak hum log aligned nahi honge, tab tak hum jo pana chahte wo nahi pa payenge. And it's not about this program. It's not about this talk only. I'm saying I'm giving you something which should be the mantra for the remaining year, for the rest of the year, which is yet to come. To wo energy ke saath is saal ko welcome karenge. Mera vaada hai tumse, ye saal bhi tumhe energy se welcome karega. Lekin tum agar mare rahe, tum agar adhmare rahe, तुम अगर बेजान रहे तो मेरा विश्वास करो, साल भी वैसे ही दिखाई देगा. पूरा साल अधमरा निकलेगा, मालूम नहीं पड़ेगा कब निकल कब चले गया. सो व्हेन आई एम गोइंग टू से 1, 2, 3 एट द काउंट ऑफ 3, 3 में स्प्रिंग के माफिक उठना चाहिए. अच्छा, जो लोग उठे हुए हैं तुम क्या करोगे? यू विल जंप. अब तुम कह रहे हम क्या करें सर? यू विल जंप. ओके, सो एट द काउंट ऑफ 3, ओके, रेडी, 1, 2, and 3. Okay, can we have a dance, please? Everybody. Come in again. Five more seconds. Come on. It's ready for this. Okay. Oh my God. Okay. अब बताओ कैसा लग रहा है. Oh my God. Did you see the first time मैंने पूछा आपसे कैसे हो, तो आधी जनता चुप थी, आधी जनता चिल्ला रही थी. Now if you were to see, all of you have lot of life, lot of energy, lot of excitement. वही तुम और वही तुम अभी. 5 मिनट पहले भी तुम वही थे, 5 मिनट बाद भी तुम वही हो. दिस मीन्स समवेयर समथिंग हैज हैपेंड इनसाइड यू, एंड दैट समथिंग व्हिच हैपेंड इनसाइड यू, वो आप ही नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया. मे बी मैं ट्रिगर हूं, लेकिन करा तो आप नहीं. विद दिस एनर्जी, विद दिस एक्साइटमेंट, विद दिस लाइवलीनेस, लेट्स टेक ओवर 2020, लेट्स गो इन टू मेगा 2020. सो आज यहां आने का सबसे बड़ा कारण, आपको बुलाने का सबसे बड़ा कारण यह है, एंड द रीजन वाई यू ऑल हैव कम हियर बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस इन द पास्ट मेनी ईयर्स, कि जो जनवरी का महीना होता है, उस जनवरी के पहले महीने के पहले हाफ में, पहले पार्ट में, वी हैव अ मेगा एचएम, वी हैव अ मेगा प्रोग्राम, एंड इट इज ऑल अबाउट कि कैसे हम कनेक्ट कर पाए उस आने वाले साल को. शायद कुछ बातें हैं जो आप लेके जा सकते हैं, कुछ बातें हैं जो आपको हिट कर सकती हैं, कुछ बातें हैं जिसके आधार पर आप पूरा साल जी सकते हो. ऐसा कुछ हो जाए तो समवेयर ये जो आने वाला साल है, ये आने वाले 365 दिन है, ये कहीं अच्छे ढंग से निकल जाए, क्योंकि निकलने तो हैं, और कुछ लोग निकाल के ही छोड़ेंगे, ये निकलने तो हैं. तो अगर ये अच्छे ढंग से निकल जाए, अच्छे ढंग से कम निकलेंगे जब हम अच्छे ढंग से उसका स्वागत करेंगे या उसमें अंदर जाएंगे, बिकॉज दिस इज लाइफ एंड दिस इज द लाइफ आउटसाइड एंड दिस इज वी. ये लाइफ जो है वैसी है, सबके लिए वैसी है. अब हम अगर बदलते हैं तो ये लाइफ बदलना चालू हो जाती है. ये लाइफ सबके लिए वैसी है, ये प्रोग्राम सबके लिए वैसे ही है, मैं सबके लिए वैसे ही हूं, जितने आप 600 लोग यहां बैठे हुए हैं सबके लिए मैं वही हूं. अगर आप बदल गए तो ये प्रोग्राम आपके लिए कुछ करना चालू करेगा. अगर आप नहीं बदले तो ये प्रोग्राम वैसे ही है जैसे सबके लिए था, लेकिन ये कुछ करने से आपके लिए चूक जाएगा. एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. तो मैंने जब चालू किया, मैंने कहा लाइफ कैसी है, अद्भुत. तो अद्भुत के जो शब्द है ना, आई वॉन्ट दिस टू बी यूज एज मच एज पॉसिबल इन 2020. जितना हो सके अद्भुत को यूज करो, सो दैट वी मेक इट अ अद्भुत 2020. नहीं तो विश्वास करो, भूत 2020 हो जाएगा, अद गायब हो जाएगा, ये भूत 2020 हो जाएगा. आई वॉन्ट टू बी अद्भुत. अद्भुत मतलब क्या है? हा, अद्भुत मतलब अमेजिंग, हा, और ऑसम, जबरदस्त, फैंटास्टिक, चौंका देने वाला. It will surprise you to the core. Wondrous. I don't know if there's a word called wondrous. Wondrous. Andar tak aisa wondrous. It's not a shock. Right? Adbhut shock nahi hai. Jise aap ghar gaye aur aapne apni mother-in-law ko dekha. That's a shock. Ki ye kaisa aa gayi idhar? Ye shock hai. Ye adbhut nahi hai. Ki tumne jaake dekha. Oh, adbhut. Aisa nahi hua. Abhi samajh mein aaya adbhut aur shock mein farak? So when you go home, Sandeep ऐसी बोल रहा, you goes home, हाँ है, हाँ, अच्छा सास घर में है, okay, ठीक है.
तो तुम्हारा अदना ही भूत हो गया अभी चलो. सो यू गो होम, योर होम, एंड यू सी योर वाइफ महिमा, शी इज ड्रेस्ड वेल, शी इज लुकिंग प्रिटी, शी इज लुकिंग जस्ट गॉर्जियस. इसको बोलते हैं अद्भुत. सो अद्भुत मीन्स समवेयर समथिंग विच इज वंडरस. हम ऐसा प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों ने वंडरस होना बंद कर दिया है. हमें अब भयंकर कुछ लगता है वंडरस फील करने के लिए. हमारे साथ कुछ अनोखा ही होना चाहिए जो हो नहीं रहा है अद्भुत फील करने के लिए. एंड लुक एट किड्स, उनको हर चीज में वंडर दिखता है, हर चीज में उनको हाँ ऐसा चेहरा हो जाता है उनका. तुम्हारे सामने कुछ भी खड़ा कर दो तुम ऐसी रहती. मतलब वंडर होने का कार्यक्रम बंद हो चुका है. चिल्ड्रन हैव सो मच ऑफ ऑ, सो मच ऑफ एक्साइटमेंट, सो मच ऑफ फन. उनको हर चीज में वो बादल दिखा दो, दे विल सी समथिंग वंडरस आउट देयर. उनको कुछ बिल्डिंग दिखा दो तो बिल्डिंग में कुछ खुश बातें. उनको कुछ भी दे दो, दे आर हैप्पी बिकॉज दे सी सम वंडर. कुछ ना कुछ अद्भुत उसके अंदर देखते हैं. हमारा कहीं ना कहीं देखना बंद हो गया. हम सेंसिबल हो गए हैं, हम समझदार हो गए हैं, हम लॉजिकल हो गए हैं, हम कैलकुलेटिव हो गए हैं, हम पेसिमिस्टिक हो गए हैं. और उस चक्कर में हमने ये जो वंडर है, जो ऑ है, जो अद्भुत पना है दुनिया में, ये हमारा देखना रह गया. इफ यू टू सी समबडी अराउंड यू, देखो किसी एक चेहरे को देखो जिसको तुमने देखा नहीं आज तक. देखो ऐसे घूर से, ऐसे आंख नहीं मारना, सिर्फ देखने की बात करिए. है ना अद्भुत. और अद्भुत मतलब क्या चौंकाते ना, अरे यार ऐसा आइटम का भी देखा नहीं. मतलब हैव यू सीन समबडी लाइक दैट, देयर इज नोबडी लाइक हिम. And even if you see yourself in the mirror in the morning, तुम अपने आप को देखो शीशे में सुबह उठ के, तो अद्भुत बात है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे जैसा एक भी आइटम दुनिया में नहीं. उसने कहा एक ही गलती काफी है और उसने तुम्हारा जैसा कोई इंसान बनाया नहीं. Forget about the body, forget about the face. तुम्हारा जैसा कोई इंसान जिसकी ये हाथ की उंगलियों में सबसे छोटी उंगली, इस उंगली की लाइनों जो है, ये लाइन में किसी से नहीं मिलेंगी. है ना अद्भुत बात. इतने निराले तुम. अब तुम मानते नहीं हो खुद को तो अलग बात है. इतना अद्भुत होने के बाद भी तुम सामान्य बाहर निकलती हो. I'm just saying, हमने अद्भुत होना बंद कर दिया. एक स्टोरी है, I must have told you before, जिन्होंने पे सुनी है दोबारा सुनना, क्योंकि सुनना ही पड़ेगा. और जो रिस्पॉन्स देना है वो देना है, क्योंकि देना ही पड़ेगा. There was this man who had a dog, और उसको बड़ा अपने डॉग के बारे में लोगों को बताने में बड़ा एकदम मजा आता था. ही वुड बी हैप्पी शेयरिंग अबाउट हिज डॉग, क्योंकि उसके डॉग के पास एक अलग ही कला थी. उसका डॉग जो है वो चलता था, भागता था, लेकिन उसकी कला बड़ी अलग थी कि वो चलता था तो पानी में भी चल सकता था, वो दौड़ता था तो पानी में भी दौड़ सकता था. इतनी उसके अंदर अमेजिंग कला थी. तो एक कला के बारे में वो दुनिया दूर लोगों को बताता था कि मेरा डॉग ऐसा है, कम एंड सी इट ओवर. तो बहुत सारे लोग उसके पास आते थे उसका डॉग देखने के लिए. तो ऐसे ही उसने एक दिन अपने दोस्त को बुलाया कि आजा चल शाम को हंटिंग चलेंगे, एंड वील गो विद माई डॉग एंड वील गो एंड हंट. तो कहता है ठीक है. तो शाम का इसको दोस्त और ये दोनों चल देते हैं, एंड दे गोट नियर अ रिवर साइड. और ये जहां मुझके जाता है नदी के किनारे, जहां पर नदी है, पानी है, तो अपने डॉग को वो भागने को लगाएगा और अपने दोस्त को सामने एकदम शेकी बधारेगा कि देखा मेरा डॉग, देख कैसा है. तो ऐसा करके ये लोग कैंप लगाया, बॉनफायर लगाई, और इसने अपनी एक जेब बैग से बॉल निकाली और बॉल इसने फेंकी पानी में. रबर बॉल थी, पानी में फ्लोट करती है. नीचे टॉमी, टॉमी गो फेच. और ऐसा टॉमी भागता है और दोनों अपना कैंप फायर में कॉफी पी रहे हैं, आग जली हुई है, और टॉमी भाग रहा है. और वो भागता है तो पानी आता है, तो पानी के ऊपर चल रहा है, तो वो पानी अंदर नहीं जा रहा है, पानी के ऊपर चल रहा है, भाग रहा है, और जाके बॉल को पकड़ के लेके आता है और आके ओनर को दे देता है. ओनर बॉल लेता है हाथ में और उसका एकदम से सीना चौड़ा हो जाता है, चेहरे पे एकदम गर्व का एक फीलिंग होता है कि देखा मेरा डॉग देखो. और ऐसा करके वो कॉफी पीता है और अपने दोस्त को देखता है कि अभी ये मुझे देख के बोलेगा यार क्या डॉग है. लेकिन वो अपना कॉफी पी रहा है, उसको कोई असर नहीं, ठंडा आदमी. उसके चेहरे से, आंखों से कहीं वाव वंडरस की कोई फीलिंग नहीं. तो इसको बड़ा बुरा लगता है, मेरा इतना बढ़िया डॉग इतनी अच्छी कारनामे किया और तूने कुछ बोला भी नहीं. तो ये बोलता है डिड यू नॉट नोटिस समथिंग ग्रेट अबाउट माई डॉग, तूने देखा नहीं कुछ अनोखा मेरे कुत्ते के बारे में? तो वो बोलता है हाँ मैंने देखा, उसको स्विमिंग नहीं आती. तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वंडर देखना हमने छोड़ दिया है और हम जो है अभी कुछ ना कुछ कमजोरी निकालते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग नेगेटिविटी निकालते हैं और वो वाओ से चुक जाते हैं. घर जाओ और देखो अपने माँ बाप को, अद्भुत है कि नहीं? लेकिन हमने उनको कंपेयर किया बगल वाले पेरेंट्स. देखो जाओ अपने बच्चों को देखो, दे वंडरस, दे अद्भुत है, भयंकर अद्भुत है.
go home and see your spouse. Super adbhut. एक से एक अद्भुत इंसान हमारे आसपास है. हमने कहीं ना कहीं उसको देखना बंद कर दिया. तो मैं चाहता हूं कि इस मेगा एचएम में आप कम से कम ये बात तो घर लेके जाओ कि लाइफ अद्भुत है. ये साल अद्भुत बनाएंगे. और अद्भुत का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ही कुछ अनोखा निराला. हमसे जो हो पाएगा हम वो करेंगे. हमसे जो होगा हम वो देखेंगे. हमसे जो हो पाएगा वो फील करेंगे. आई विश यू 2020 इन 2020 दैट यू सी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच स्टार्टल यू. आई विश कि आपको ऐसा चौंका दे आप ऐसी बहुत सी चीज देखो. I wish कि आप इस 2020 में ऐसी बहुत सी चीज फील करो जो आपने कभी फील नहीं करी. I wish ये 2020 आपका ऐसा हो कि आप बहुत से नए लोगों से मिले. I wish ये 2020 आपका ऐसा हो कि आप बहुत से लोगों से मिले जिनकी विचारधारा आपसे अलग हो. I wish आप ऐसे बहुत से रास्तों पे चले जो अद्भुत हो, जो निराले हो, जो अनेखे हो. इस सोच के साथ लेट्स स्टार्ट 2020 मेगा एचएम. आर वी रेडी? Balcony! Wow. देखो ऐसे जागते रहना. I'll keep on asking. You keep on nudging a neighbor. Jag, jag, jag. Question आया. Keep on, right? Keep on giving a response to me. There was this person by the name of Peter Drucker. नाम सुना है क्या? Peter Drucker. नहीं? Peter Drucker नाम नहीं सुना है? चार बार मैंने बोला है. हाँ, ऐसी Don't worry about it. Not knowing is not a crime. बिल्कुल ऐसे लोड लेने का नहीं. और फ्रंट रो में बैठ के बिल्कुल क्राइम नहीं है. मैंने बोला था मुझे ना बैठा फ्रंट रो में. बैल्कनी वाले इतने खुश है ना कहते अच्छा है हम तो पीछे हैं कोई सवाल नहीं आएगा और वैसे भी रास्ता नहीं जाने का आगे. ना पीटर रगर वन ऑफ द बेस्ट नोन मैनेजमेंट गुरुज ऑफ हिज टाइम. पीटर रगर बोलते थे कि एनीथिंग विच कांट बी मेजर्ड जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम अच्छा नहीं कर सकते. समथिंग विच कांट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इंप्रूव्ड अपॉन. एनीथिंग विच कांट बी मेजर्ड उसको हम मैनेज नहीं कर सकते उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो अगर हम इस थॉट प्रोसेस को लेते हैं और समझते हैं तो आप देखो कि पूरे इतने हजारों साल में जो हमारी हिस्ट्री है मैनकाइंड की ये हिस्ट्री हैज बीन ऑल अबाउट Can we put some measurables in as many aspects of life as possible? चाहे वो life हो, चाहे वो health हो, चाहे वो business हो, चाहे वो go sports हो, हर जगह हमने measurable डाले हुए हैं. और measurable डालने का मतलब क्या है? क्या हमारे पास कुछ result आएगा? उस result को देख के हम उस पर कुछ काम कर सकते हैं. How do we make it better if I don't have the results? अगर मुझे मालूम नहीं वो कैसा था तो मैं उसको कैसा कर पाऊंगा आगे, कैसे कर पाऊंगा? For example, if somebody wants to lose weight, What's your name? श्रीनिक. हाँ श्रीनिक. तो खुद ये होते हैं इंसान अपना खुद ही हाथ खड़ा कर दिया उसने कि सर मेरी बजाओ आज मैं हूं इसीलिए फ्रंट रूम. तो उसको मालूम नहीं वो किस प्रॉब्लम में घुस चुका है. कोई बात नहीं जिगर वाला बच्चा है. तो श्रीनिक ने डिसाइड किया कि मुझे वेट लॉस करना है. लेकिन अगर ये हर 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में ये एक बार वेइंग मशीन में नहीं खड़ा होगा ये कैसे वेट कम कर पाएगा? हाउ वुड यू नो यू आर प्रोग्रेसिंग और यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग? आपका वजन कम हो रहा है, नहीं कम हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप मेजर नहीं कर पाओगे तो उसको आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे. डू यू अग्री ऑर नॉट? तो मेजरेबल्स बड़े जरूरी है. इमेजिन करो कि आप स्पोर्ट खेल रहे हो. लेट्स यू वेंट टू वॉच अ लेट्स खेल रहे हो. चलो बहुत लोग खेलते नहीं देखते तो है. यू गो एंड यू वॉच अ गेम. You went to watch a match of football, let's say. तो आप देखने गए स्टेडियम में बैठे हो और वो दो टीम्स खेल रही हैं और आप थोड़ा लेट पहुंचे तो आप पूछते हो एक इंसान से भी स्कोर क्या है? तो बोलता है ये क्या होता है? तो स्कोर मतलब भी कौन कितने किसने कितने गोल मारे? कह रहे हम तो ऐसे नोटिस ही नहीं करते. वो मारते हैं अंदर जाती है बॉल फिर चालू हो जाता है. तो तुम लोग वो कितने मारते हैं? कह रहे उनकी जितनी मर्जी जितना मार लेते हैं. तो ये वाले कितने मार? ये भी जितनी मर्जी उतनी मार लेते. तो करते क्या है? नहीं नहीं खेलते हैं. अगर ऐसा वो बोलेगा तुम कितनी देर तक देखोगे? चाहे उसमें मैराडोना खेल रहा हो, चाहे रोनाल्डो खेल रहा हो, चाहे दुनिया के सबसे बढ़िया खिलाड़ी खेल रहे हो, तुम वो मैच देखोगे कुछ देर तक के बाद? क्योंकि चल क्या रहा है? फिर तुम पूछते हो उससे अच्छा ये बताओ कब तक खेलेंगे? तो वो भी शोले का डायलॉग बोलता है जब तक इनके पैर चलेंगे. तो
यू विल नॉट वॉच दैट गेम बिकॉज उसमें मेजरेबल नहीं है, टाइम का मेजरेबल नहीं है, कितने कितने गोल मारे उसका मेजरेबल नहीं है. सो हाउ विल दे एंजॉय, हाउ विल द प्लेयर्स एंजॉय, हाउ विल दे इंप्रूव कि हमने इसको कितना हराया था पिछली बार, इसको कितने गोल से इस बार हराए, हम क्या नहीं करें, क्या करें, हाउ विल यू इंप्रूव. टुडे हैपेंस टू बी अ क्रिकेट मैच, उसके बाद तुम लोग यहाँ आए, कमाल है यार, ये बात कमाल है, एक ताली आप खुद के लिए बजा लो यार. कि तुम विराट कोहली को छोड़ के इधर आए, क्रिकेट मैच हो रहा है और कोई मेजरेबल नहीं है, उसने बॉल मारी, बैट पे लगी, गई स्टेडियम के बाहर, कितने रन, अंपायर कर जितना तुम्हारी मर्जी है ले लो भैया, बॉलर बॉलिंग कर रहा है, वो छह बॉल होगी, आठ बॉल होगी, कोई मेजर नहीं कर रहा है कितनी होगी, नो बॉल होगी, कोई मेजर नहीं कर रहा है, यू विल नॉट एंजॉय दैट गेम. स्टैटिस्टिक्स कहां से आएगा जब मेजरेबल्स होंगे. तो यह मेजर करना बड़ा जरूरी है और इतना इंपॉर्टेंट है. उसके बावजूद भी व्हेन आई सी पीपल, वेल स्पेशली व्हेन आई मीट एंटरप्रेन्योर्स, तो वो बिजनेस में आई सी कि उनके मेजरेबल्स की बैंड बजी हुई है. अभी तो जीएसटी का चक्कर आ गया तो उनको मेजरेबल लाने पड़ते हैं, मजबूरी का नाम. तो अभी आपको मजबूरी में हर महीने का जीएसटी फाइलिंग के लिए अपना टर्नओवर को लाइनअप करना पड़ता है. कुछ साल पहले साल के एंड में दे वुड गो एंड आस्क द चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट टर्नओवर कितना हुआ है. अरे आपको नहीं मालूम आपका टर्नओवर क्या है, हाउ विल यू मेक इट बेटर, हाउ विल यू इंप्रूव ऑन इट. आपने वेबसाइट बनाई और उसमें कितने आपके वॉक-इन्स हैं, कितने आपकी इंक्वायरीज आ रही हैं, आपको नहीं मालूम पड़ रहे. तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा व्हाट इज वर्किंग इन द वेबसाइट एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग इन द वेबसाइट. आई एम राइट संदीप, ऐसी होता है. लेकिन आपके पास अगर मेजरेबल्स है, यू कैन डिसाइड, अच्छा दिस वर्क्स, दिस डजंट वर्क, तो यू कैन डिसाइड इसको हटा देंगे, इसको रख देंगे, इसको इंप्रूव करेंगे. मेजरेबल्स मेक योर वर्क बेटर. Measurables help you to improve your work. It helps you to control your work. Team काम कर रही है और टीम के पास कोई measurable नहीं है. वो काम कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम कितना कर रहे हैं. आप काम करवा रहे हो, आपको नहीं मालूम कितना काम होना चाहिए. और उनको भी मालूम है कि आपको नहीं मालूम कि कितना काम करना चाहिए. भयंकर combination है. एक तो टीम को नहीं मालूम कितना काम करना चाहिए, उसके बॉस को भी नहीं मालूम उसने कितना काम करना चाहिए, लेकिन टीम को मालूम है कि इसको नहीं मालूम मुझे कितना करना चाहिए. कितना भयंकर combination. फिर कैसा कंट्रोल, काहे का कंट्रोल. इट्स ओनली व्हेन यू नो इसने इतना करना है, तो साल के एंड में जब अप्रेजल होता है, उस अप्रेजल हम बात कर सकते हैं ना, भाई इतना इतना अप्रेजल है, इतना पॉसिबल है, इतना काम किया है. सो मेजरेबल्स आर अ मस्ट. ऑल स्टूडेंट्स वर सिटिंग हियर, इफ यू डोंट गेट योर मार्क्स, हाउ विल यू कम टू नो भाई यू हैव टू वर्क हार्डर इन विच सब्जेक्ट. इफ यू हैव नो क्लैरिटी अबाउट वेयर यू आर इन द रैंकिंग, जब हम गोल सेटिंग करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है मेजरेबल्स का. You should have measurables. There's nothing called being a good student. A good student can be good in any many areas, right? When they go to college, you're going to college or you're working? College. You're working and you're doing good to college also. When you go to college, kya kya ho sakta hai wahan par? Possibility kya hai? Achha, theek hai, your father is sitting next to you? Achha, I understand. Okay, theek. Bichara kya karega? I'm sorry, I put you in this situation. So, अगर आपने बोला मेरा गोल है, I want to be a good student. अब गुड की परिभाषा कुछ भी हो सकती है ना. पेरेंट्स की परिभाषा गुड को लेकर अलग हो सकती है, बच्चे की परिभाषा गुड को लेकर अलग हो सकती है. सो गुड इज सच अ जनरलाइज्ड वर्ड. यू हैव टू हैव अ मेजरेबल. गुड मतलब मैं ये करूंगा, आई विल डू 1, 2, 3, 4, 5 थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल गुड हस्बैंड. संदीप क्या परिभाषा है गुड हस्बैंड की? You have to put some measurables. कि भाई good husband मतलब मैं हफ्ते में चार बार पैर दबाऊंगा wife के, मैं ऐसा हफ्ते में चार बार बर्तन धोऊंगा. Good husband की measurables होंगे तभी समझ में आएगा ना. Otherwise it's a generalized word. So you have to put in measurables in as many areas as possible. तो हमने क्या किया, mankind ने क्या किया पिछले इतने सालों में, हजारों सालों में, उन्होंने कहा we have to become better. We have to become better than what we were. तो कैसे मेजर करें? तो हमने अपनी लाइफ को हमने मेजर करना शुरू किया विद अ यूनिट ऑफ टाइम. हमने समय को अलग अलग यूनिट्स में बना दिया. तो हमने सेंचुरीज बना दी, हमने डिकेड्स बना दिए, हमने साल बना दिए, हमने महीने बना दिए, हमने दिन बना दिए, हमने घंटे बना दिए, मिनट्स बना दिए. ऐसा हमने एक यूनिट बना दी टाइम की. और फिर उस यूनिट के अगेंस्ट में हमने कहा लेट्स मेजर आवरसेल्व्स. हम अपने आप को मेजर करते. सो सिविलाइजेशंस दे गॉट मेजर्ड इन सेंचुरीज. Families, जो dynasties हैं, खानदान हैं, they got measured in generations. Corporations हैं, governments हैं, they got measured in decades or maybe 5 years. And then people like you and me, we measured our life in maybe in 1 month or a year's time.
ऐसा करके हमने अपने अपने यूनिट चूज कर लिए, हमें कैसे मेजर करना है अपने आप को। मेजरमेंट का मतलब क्या है कि हमने कुछ यूनिट कंज्यूम किया, उस यूनिट कंज्यूम करने के अगेंस्ट में हमने कुछ प्रोड्यूस करना था, वो हमने मेजर किया। दैट्स व्हाट इज मेजरमेंट ऑल अबाउट। तो आउट ऑफ ऑल दीज यूनिट्स ऑफ टाइम, सबसे फेमस जिसके अराउंड बड़ी हाइप क्रिएट हुई है वो है ईयरली यूनिट। तो हर महीने के खत्म होने पे इतना हल्ला गुल्ला नहीं होता पूरे वर्ल्ड में कि पटाखे फट रहे हैं, वेलकम न्यू मंथ, यू नो। इमेजिन करो हर महीने तुम बम फोड़ो अपने ऑफिस के बाहर, न्यू मंथ न्यू मंथ। घर के बाहर तुमने बल्ब लगा दिए, हैप्पी न्यू मंथ, एवरी मंथ हैप्पी न्यू मंथ। फिर लोग क्या बोलेंगे, येड़े समवेयर कहेंगे यार ये येड़ा ही हो गया है हर महीने। तो हमारे मैनकाइंड ने, इंसानों ने, वी क्रिएटेड अ यूनिट कॉल ईयर। तो साल के एंड में ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, दे मेजर देयर परफॉर्मेंस, उसका स्वागत करते हैं नए साल का, लास्ट ईयर का पूरा रिव्यू करते हैं, एंड दैट्स हाउ न्यू ईयर हैज बिकम अ नोन एंटिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इट्स अ वेरी पावरफुल वे टू मेजर वॉट वी हैव डन एंड वॉट वी कुड हैव डन। तो 2019 निकल गया, 2019 में हमने 52 हफ्ते कंज्यूम किए, डू यू नो दैट, हमने 365 दिन कंज्यूम किए, हमने 8500 घंटों से ज्यादा कंज्यूम किया। तो फिर कुछ तो प्रोड्यूस करा ही होगा। तो जब हम अपने आप को इन 8500 घंटे के परस्पेक्टिव से देखते हैं कि हमने इतना कंज्यूम किया तो फिर प्रोड्यूस क्या किया, तो हमें समझ में आता है हमने क्या अच्छा किया और क्या अच्छा करने से हम चूक गए। और ये रियलाइजेशन हमारी फाउंडेशन बन जाती है फॉर द ईयर टू कम। हम कहते हैं यार इस साल चूक गए लेकिन अगली बार करेंगे, एटलीस्ट पहले हफ्ते तो करते। लेकिन जब हम पीछे रिव्यू नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे, तो हमारा ये आगे का फाउंडेशन भी हम बनने से चूक जाती। सो 2019 वेंट एंड 2020 इज देयर विद ओपन आर्म्स। और मैंने जैसे पहले कहा 2020 इज एज गुड फॉर यू एज इट इज फॉर एनीबॉडी एल्स, इट इज एज बैड फॉर यू एज फॉर एनीबॉडी एल्स, इट इज नो डिफरेंट। वो 2020 रुका हुआ है ऐसे ओपन हाथों के साथ। कोई भी इंसान के लिए 2020 ऐसा नहीं है, सबके लिए ऐसा है। अब हम कैसे जा रहे हैं उस 2020 में, हम ऐसे जा रहे हैं या हम ऐसे जा रहे हैं, विल डिसाइड 2020 हमारे लिए क्या करेगा। एम आई राइट और नॉट? सो देखो, मेरे फिजिक्स टीचर ने मुझे बहुत पहले बोला था जब मैं 7th में था, जो करो कमाल का करो वरना मत करो। अब जब बजाना ही था तो अच्छी तरह बजा लेते यार। हाँ, थैंक यू। वही तुम पर ऐसा क्यों करते हो कि पान मसाला, और शायद तुम्हारा बगला देखते ही लाया क्या। सो I just give an example of it कि ये इस साल हमने नहीं करना है, या तो बजाएंगे या नहीं बजाएंगे। फिर नहीं बजाएंगे तो वो भी ऐसे ही रहेगा, भयंकर वाला पोज रहेगा, ये बीच वाले ना लफड़ा होता है देखो। तो कहीं पर भी बीच पे रहने का नहीं, either we will go in or we will not go in, don't let's not be in the middle। So अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपको फिर फिजिकली हिलाऊंगा। ये हिलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो बहुत देर तक फिजिकली हिलता नहीं है लोगों को डाउट हो जाता है कि भाई ये आइटम है कि नहीं, साथ में है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, आई वॉन्ट यू टू गेट अप फ्रॉम योर सीट्स। अभी नहीं, थांबा, मैं जब बता लूं क्या करना क्या है। आई वॉन्ट यू टू गेट अप विद एनर्जी, सेम रूल्स सेम है, राइट? तो ये रूल्स यहां हॉल के नहीं है कि तुम घर गए और घर में तुम स्लो मोशन में उठ रहे हो और तुम्हारी वाइफ बोलती है ए तुम जोर से उठा, नहीं ना, वो तो हॉल का रूल था, यहां रूल अप्लाई नहीं करेगा। I'm just saying, bring energy in every and any form of your life. Bring energy. So, abhi aap uthoge, and I want you to consciously, I'll give you 2 minutes. Time dunga aapko main. 2 minutes dunga. Aap hall mein kisi ek aise item ko dhundo, jisko aap jante nahi ho. Ek aise insaan ko, jisko aap jante nahi ho. Pehli baar mile ho. Thik hai? Aise dekhna, aas paas bahut saare mil jayenge, jisko aap jante nahi ho. Pehle, rule nahi, par pehla condition. सेकेंड, आप जब जाओगे तो उसको ऐसा एकदम बिल्कुल ऐसा जैसे अद्भुत इंसान मिला है,
और एक्चुअली मैं उससे आज से पहले वो इंसान नहीं मिला होना चाहिए आपको, तो अद्भुत ही लगेगा ना, अद्भुत ऐसा उसको मिलना, अरे बेचारा खुशी से मर जाएगा, विश्वास करो। एक बार तो ऐसे मिलो, उसके बाद जब ऐसा आपका हो जाए तो कुछ करना नहीं, सिर्फ ऐसे ही फील, हाँ तुम कहीं कुछ करने में आ जाओ, हाँ तो उसको आप सिर्फ ऐसा देखना, उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देना, नाम, सिर्फ ओनली नाम, टेलीफोन नंबर बिल्कुल मत पास करना, और धंधे वाला काम ये देखिए मेरा विजिटिंग कार्ड, आइएगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करोगे। तो आप जो है ऐसा उसको मिलोगे, इंट्रोडक्शन दोगे अपने नाम का, और म्यूजिक चालू रहेगा एंड एनर्जी क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सुनो मेन कहानी, आप उसके हाथ मिलाने या उसको इंट्रोडक्शन देने के बाद आप उसको बोलोगे सुन मेरी कहानी, ऐसा बोलोगे आप, हाँ ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलना, सुन मेरी कहानी। वो बोलेगा सुना। देखो डायलॉग जरूरी है, ये पहला डायलॉग क्या है, दूसरा वाला क्या बोलेगा, और फिर जिसने कहा सुन मेरी कहानी वो बोलेगा 2019 में मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा। तुम बोलोगे उसको 2019 में मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा, तो बोलोगे ना। और जो जिसने सुना वो बोलेगा हाँ अद्भुत। आप कितना भी चिंदीगिरी वाला हो, कितना भी चिंदीगिरी वाला उसका शेयरिंग क्यों ना हो, उसको महसूस मत होने देना, ना ना ना, ना। उसके लिए फिर भी हाँ अद्भुत। Are you getting it? और फिर कहानी चालू होगी दूसरे वाले की, वो बोलेगा अब सुन, क्या बोलेगा, क्या डालो, क्या है, सुन मेरी कहानी, सुन मेरी कहानी, और तुम क्या बोलोगे, सुना। फिर वो अपनी कहानी सुनाएगा, 2019 में मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि मैं बेडरूम से बाहर ही नहीं निकला। ओके अब कहीं और मत जाओ, मैं इसे एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट आस्क मी सर, शादी वाली बात कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहा मैं। ओके आर वी रेडी, तो हम म्यूजिक बजाएंगे, म्यूजिक से पहले आप लोग क्या करोगे, ऐसा स्प्रिंग के माफिक उठोगे, राइट, और मिलोगे किसी एक आत्मा को और ऐसा ठोक के सुन मेरी कहानी इंट्रोडक्शन के बाद, आर वी रेडी, कम ऑन, ऑन योर फीट, कम ऑन। What energy! What energy! Okay, चलो before we move on,
मुझे ना एक दो लोगों कुछ लोगों से सुनना है, हुआ क्या, सुनाओ तुम्हारी कहानी. हाँ जी, टेल मी व्हाट यू फेल, डोंट टेल मी योर स्टोरी. आप मुझे बताओ आपको क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ. अद्भुत. हाँ, एक एक करके ऐसा हाथ खड़ा करके मुझे बोलो क्या आपको फील हुआ जब मैंने कहा सबसे बढ़िया चीज क्या हुई आपकी लाइफ में 2019 में, सुना क्या हो. हाँ हाँ, बहुत अच्छा फील हुआ. ठीक है, अच्छा बहुत कुछ हुआ, लेकिन कौन सा चूज करूं. अद्भुत हो यार तुम, अद्भुत हो. हाँ, बहुत सारे इंसान कह रहे हैं हमें दे दे एक दो, हमें दे दे एक दो, हमें लाइफ में कुछ नहीं हुआ. ओके, हाँ और क्या, जेन्युइन रियलाइजेशन बताओ. हाँ, पूरा फ्लैशबैक हो गया. ओके ठीक है. हाँ जी, अपने आप पे फक्र महसूस हुआ, क्या बात. हाँ जी, रियलाइज किया कुछ तो किया, कुछ तो किया. हाँ जी, कुछ बोल रहे थे ऐसे, नहीं हाथ खड़ा करके बोलो तो भीड़ में ना बोल के ना, बड़े दिल्ली में बड़े कांड हो रहे भीड़ में बोल बोल के, तो हाथ खड़ा करके बोलोगे तो आंदोलन नहीं होगा. हाँ हाँ, सर का टीजू भी ज्वाइन किया. सबसे बढ़िया चीज क्या है मेरा प्रोग्राम, ध्यान से सुनो सब लोगों. हाँ जी, हाँ तो एक मैंने जो प्लान सेट किया था वो अचीव हुआ, इसलिए मैं खुश हूं. हाँ जी, बैल्कनी. हाँ, फ्लैशबैक हो गया. ओके थर्डी. ओके हाँ जी, डोंट टेल मी क्या हुआ, टेल मी हाउ यू फेल्ट, कि डिड यू फील यार एक साल. अच्छा, यू फेल्ट एक्साइटेड अबाउट द अदर पर्सन सो एक्साइटेड. चल मेरी तो लगी नहीं, इसकी तो लगी है कम से कम. चलो चलो ओके. हाँ, डिड एनीबडी फील यार बहुत कुछ हो सकता था यार. हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट लाइक दैट, यार बहुत कुछ कर सकते थे. Wow, this is the beauty of human nature. कि हम कितना भी अच्छा कर लें, हमें फिर भी लगता है हम बहुत कुछ और कर सकते थे. और जो अच्छा नहीं करते तो लगता ही है, लेकिन अच्छा करने के बाद भी ऐसा बहुत बार लगता है we could have done a lot better. Am I right or not? And that is the reason, that is the quality जो हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम लगातार निरंतर कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत करते रहते हैं. हम ठंडे नहीं होते, हम शांत नहीं होते, हमें लगता है यार और बहुत कुछ संभव है. क्योंकि कोई ना कोई हमारी लाइफ में मिलता है, कुछ ना कुछ हम पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ हमें दिखता है, जो हमें दिखाता है कि यार ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते. आप कितना भी भाग लो, आपने कहा मैं एक मैराथन भागूंगा, दो मैराथन भागूंगा, आज से पहले शायद आप भागे नहीं थे, लेकिन आपने भागा भागा भागा, और उसके आपको लगता है मैंने बहुत कुछ किया. एक नए आइटम ऐसा टकरा जाएगा आपको, जो आपके उस भागने को, उस मैराथन को ऐसा चिंदीगिरी वाला बना देगा. तो आपको क्या, फिर आपका नया गोल सेट होता है. आई रिमेंबर वी वर ऑन अ वे टू कन्याकुमारी, साइकिलिंग कर रहे थे हम लोग, 2010 की बात है, 10-10-11 की बात है. एंड वी वर साइकिलिंग ऑन द वे, हम पहुंचे त्रिवेंद्रम. पूरे रास्ते भर करीब 1600 किलोमीटर की साइकिलिंग होगी, लास्ट 50-60 किलोमीटर बचा हुआ टुवर्ड्स कन्याकुमारी. तो ऐसा ना, वो बोलते हैं कि आप साइकिलिंग करते 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 आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली. एंड उस समय साइकिलिंग इतना क्रेज नहीं था पुणे शहर में, शायद फर्स्ट फ्यू ग्रुप्स होंगे जो ऐसे कुछ कर रहे थे. एंड हम कन्याकुमारी पहुंचने वाले थे, तो त्रिवेंद्रम से निकले बाहर, सर फूला हुआ था हवा से कि 1600 किलोमीटर साइकिलिंग कर ली, अब हम कन्याकुमारी पहुंच गए, हमारा एक एक्सपेडिशन पूरा हो गया. एंड मैं साइकिलिंग कर रहा था, तो मेरे साइड से एक मैंने देखा, एक साइकिल में एक साधु महाराज, वो रुके हुए थे, बाकी साइकिलिस्ट भी साथ में थे. मैं घूम के आया तो मुझे लगा शायद इनको कुछ ज़रूरत है, ये कुछ चीज़ को ढूंढ रहे हैं. मैं वापस घूम के आया और मैंने उनको बोला कि आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो वो थोड़े मुस्कुराए. देखा मैंने उनको तो उन्होंने एक पूरा गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, उनकी एटलेस काला घोड़ा साइकिल थी वो थी, और साइकिल के पीछे स्टैंड में एक पोटली थी और आगे एक कमंडल था साइकिल के हैंडल में. और उन्होंने मुझे बोला बेटा वो त्रिवेंद्रम जाना था, मैं रास्ता जरा भटक गया हूँ. तो मैं हम वहीं से निकले थे तो मुझे रास्ता मालूम था. मैंने कहा आप ऐसा करो यहाँ से यहाँ यहाँ चले जाओ. और उन्होंने कहा ठीक है बेटा धन्यवाद. फिर ऐसा होता ना, आदमी एक तो ढूंढता है कहीं भाई गलती से कहीं पैर में चोट ना लग जाए, एक है जो ढूंढता है कहीं कुल्हाड़ी हो तो मैं पैर मार के आऊँ, एक है जो ढूंढता है कुल्हाड़ी की तरह मैं ला के खुद ही मारता हूँ. तो मैंने वैसा कांड किया और मैंने उनसे पूछा आप कन्याकुमारी से आए हैं त्रिवेंद्रम के लिए, तो आप त्रिवेंद्रम जा रहे हैं? तो वो मुझे बोलते नहीं नहीं बेटा त्रिवेंद्रम नहीं जा रहा हूं, मैं गुजरात जा रहा हूं. मैंने उनको देखा, उनके वस्त्र को देखा, उनकी पोटली को देखा, उनके कमंडल को देखा, फिर मैंने खुद को देखा, हेलमेट, गॉगल्स, ऐसा ग्लव्स, राइट, वो बलकावा,
सन टैन ना हो जाए, अपनी चमड़ी भाई गोरी जमी वैसे काली ना हो जाए, फिर वो क्या बोलते हैं वो नी पैड्स, वो पीछे पिछवाड़े में वो सपोर्टिंग यू नो पैड्स, साइकिलिंग पैड्स शॉर्ट्स थी, फिर शूज थे, वाटर बॉटल जिसके अंदर वो अपना क्या डालते हैं आप लोग ग्लूकॉन डी वगैरह जो भी डालते हैं वो पाउडर डाला हुआ, और पीछे बैकअप वैन जिसमें स्लीपिंग मैट्स, वो पूरा स्टोव, खाने पीने का सामान, मतलब पूरा एकदम फाइव स्टार लग्जरी लग रहा था। और मैंने उनसे पूछा आप क्या कह रहे हैं, मैं तो गुजरात जा रहा हूं। तो मैंने पूछा आप इसमें, हाँ बेटा आए इसी में था कश्मीर से, तो इसी में गुजरात जाऊंगा। तो मैंने कहा आप कश्मीर से, कह रहा इसी में आए कश्मीर से। तो ऐसा लगा अपनी साइकिल जो एक हमारी 24 गियर की साइकिल थी और उनका एटलेस काला घोड़ा, तो मुझे लगा अपनी साइकिल फेंक दूं। सब ये हवा ऐसी निकली गुब्बारे से, विद इन अ फ्यू मिनट्स ऐसा लगा अपने कुछ किया नहीं, अपन चुपचाप साइकिल में निकल गए कन्याकुमारी को, चुपचाप रहा मैं पूरे रास्ते पर, कोई बात नहीं करी। तो जब आपको लगता है आपने बहुत कुछ कर लिया, तो ऊपर वाला एक कार्यक्रम करता है, तुम्हें एक अद्भुत इंसान से मिला देता है और वो कहता है सुनो मेरी कहानी, और तुम कहते सुना, और सुना के तुम्हें लगता है यू आर नॉट द फर्स्ट कार इन द हाईवे ऑफ लाइफ, देयर आर सो मेनी अदर कार्स, और वो कार्स आपसे आगे हैं, आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं, वो कार आपसे आगे हैं क्योंकि आप उनको देख के इंस्पायर हो जाए, आप उनको देख के बोले चलो मैं भी आता हूं तुम्हारे पीछे, दैट्स रीजन दे आर देयर। सो बहुत कुछ करने के बाद भी हमें लगता है हम और बहुत कुछ कर सकते हैं, दैट्स द ह्यूमन स्पिरिट, दैट्स सो वंडरफुल। आई वॉज ऑन माई वे फ्रॉम लेह टू खाडुंगला, 11,000 की फीट हाइट है, और 11,000 की फीट से हम जा रहे हैं 18,500 फीट की हाइट में, द हाईएस्ट मोटरेबल लोड इन द वर्ल्ड। वो सर पे अब ले तो लिया, टास्क कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, हम 8 साइकिलिस्ट लगे पड़े मेहनत कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, रास्ते में पानी खत्म, हमारा पीछे वैन सपोर्ट वैन बहुत पीछे रह गई, एंड आई वॉज देयर अलोन साइकिलिंग, मेरे आगे 2-3 साइकिलिस्ट और थे वो आगे थे, मैं बीच में पीछे, और तो एक उसमें ऐसा एहसास हुआ कि ये यू आर डूइंग समथिंग वेरी फिनोमिनल, लेकिन उसके साथ ये भी हुआ कि क्यों मतलब कीड़े हैं क्या, मतलब क्यों शांति से बैठना नहीं है, बिकॉज इतनी हालत खराब है, यू जस्ट वॉन्ट गिव अप। एंड देयर फ्रॉम समवेयर I met two motorcyclists who were coming down. तो मैं ऐसे सबसे रुक के पानी मांग रहा था, बस पानी नहीं था, तो मैंने एक से पानी मांगा, तो उसने ऐसा हेलमेट ऊपर किया और मुझे देख के बोला मनीष सर, सडनली ऐसा चौड़ा जानता है मुझे आया। और कुछ देर पहले मैं ऐसा कहता क्यों आया हूं सडनली, हाँ अरे आप इधर, तो मैंने कहा तू कौन, तो अरे आई एम फ्रॉम पुणे, और आप यहां, उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड बैठी थी, तो उसको बाद में लगा गलत जगह रुक गया, क्योंकि शायद उसी गर्लफ्रेंड ने कहा तू देख अपना को बाइक में बड़ा डिंगे मार रहा है, बाइक में जाके ऐसे करते हैं एक्सपेडिशन। तो उसको मिलने के बाद आई फेल्ट सो गुड दैट देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू गेट इंस्पायर्ड। तो आप कभी, आपकी कार आगे होती है हाईवे में, कभी किसी की कार आपके आगे होती है, एंड यू एंड अप बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर समबडी, और समबडी बिकम्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर समबडी। तो अपनी कहानियां जो अच्छी वाली है वो सुनाते रहो किसी ना किसी फॉर्म में, और दूसरी कहानियां भी सुनते रहो किसी ना किसी फॉर्म में, मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी कहानी विल बिकम योर गाइडिंग लाइट। तो कुछ सुनाऊं मैं आप लोगों को कि मेगा 2020 कैसा हो सकता है, शैल वी? ओके ग्रेट, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन्वेस्टर्स हियर? 1, 2, 3 ओके ठीक है। नाउ वर्ल्ड ओवर जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपके पास एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को आप इन्वेस्ट करते हो, और इन्वेस्ट करते हो विद अ थॉट प्रोसेस कि ये इन्वेस्ट किया तो जब मुझे मिलेगा 1 महीने बाद 6 महीने बाद साल भर बाद ये वापस जब मिलेगा तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू जो मैंने दिया। सिंपल फंडा इन्वेस्टमेंट का कि आपने जो दिया उससे ज्यादा आपको मिलना चाहिए, दिस इज व्हाट इन्वेस्टमेंट इज। नाउ वर्ल्ड ओवर द मोमेंट इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वर्ल्ड ओवर पीपल थिंक ऑफ मनी, एम आई राइट? कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, और पैसा इन्वेस्ट किया तो कुछ समय बाद, कुछ साल बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, हमारे परसेप्शन के हिसाब से, वो हमें अमाउंट मिलना चाहिए। दैट्स व्हाट अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉमन मैन इज अबाउट इन्वेस्टमेंट। मैं चाहता हूं अभी के समय, अभी अगले कुछ मिनटों के लिए आप ये मॉनेटरी एस्पेक्ट निकाल दें इन्वेस्टमेंट से, एंड आई वॉन्ट टू बिलीव, आई वॉन्ट टू थिंक दैट यू ऑल आर इन्वेस्टर्स, बट वी आर नॉट टॉक अबाउट द मनी पार्ट ऑफ इट। आप लोग सब इन्वेस्टर्स हैं, और फैक्ट ऑफ लाइफ है कि आप लोग इन्वेस्टर्स ही हैं, बिकॉज जब हम पैदा हुए
we were blessed, all of us, we were blessed with a beautiful currency, a limited currency called time. और तब से लेके अब तक हम उस करेंसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं. Am I right or not? किसी न किसी काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं. हम बड़े हो रहे हैं तो हमने अपने दोस्तों के साथ इन्वेस्ट किया, हम स्कूल में गए, प्ले स्कूल में गए, हमने घर में इन्वेस्ट किया अपने परिवार के साथ, हमने दोस्तों के साथ इन्वेस्ट किया, सोसाइटी में इन्वेस्ट किया, फिर थोड़े और बड़े हो गए, कॉलेज चले गए, फिर हमने इन्वेस्ट किया, क्या नाम है उसके साथ जो इन्वेस्ट किया उसका नाम क्या बेटा जो कॉलेज में है? अच्छा अच्छा पापा में, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है. मुझे लगा फंसी जाएगा बच्चा, लेकिन नहीं फंसा. ओके, सो ऐसा करके हमने उस करेंसी को इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करते करते हम यहां पहुंचे. तो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अपने समाज में इन्वेस्ट किया, धर्म में इन्वेस्ट किया, वेर एवर वी कुड इन्वेस्ट वी हमने करेंसी को इन्वेस्ट किया. और ये करेंसी लिमिटेड करेंसी है, और जहां जहां हमने इन्वेस्ट किया हमें वहां से रिटर्न मिले. कहीं पर पढ़ाई का रिटर्न मिला, कहीं प्यार का रिटर्न मिला, कहीं पैसे का रिटर्न मिला, कहीं नाम का रिटर्न मिला. वी केप्ट ऑन गेटिंग अ रिटर्न्स. एम राइट? इज दिस मेकिंग सेंस? सो हमने ये इन्वेस्टमेंट अपने समय का, हमने बचपन से जैसे हम पैदा हुए तब से हमारा इन्वेस्टमेंट चालू था. इस समय आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी करेंसी मुझे सुनने में, और मैं अपनी करेंसी इन्वेस्ट कर रहा हूं आपको कुछ बताने में. सो वी ऑल आर नाउ इन्वेस्टर्स. सो अब आप में से कितने लोग इन्वेस्टर हैं? Wow, this is called transformation. कुछ समय पहले कुछ ही हाथ ऊपर थे, अब आप सबके हाथ. सो हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट करते करते हमारे अंदर एक मन में बात आ रही है. अभी इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? चलो लेट्स हैव इन्वेस्टमेंट इन विथ क्लैरिटी. इन्वेस्टमेंट मतलब वॉट? हमने कुछ इन्वेस्ट किया और हमें कुछ ज्यादा ऐसी अपेक्षा तो है, मिले ना मिले मालूम नहीं, लेकिन अपेक्षा तो है. तो जब एक समझदार इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो क्या सोच के इन्वेस्ट करता है? अपना रिसोर्स, कि जहां पर मुझे अच्छे रिटर्न मिलेंगे मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा. मैं राइट और नॉट? तो आप अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो? क्योंकि हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, अब वो इन्वेस्ट कहां हो रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है. हमें रिटर्न जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट ही गलत है. और हमें बहुत सारे लोग लुभा रहे हमारा रिसोर्स को अपने पास लेने के लिए, और हम गलत जगह इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, गलत जगह इन्वेस्ट करे जा रहे हैं. तो हमने आज इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है हमारा? सा सोशल मीडिया में, भयंकर होलसेल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है. राइट? फिर आऊंगा कभी कहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है. ऐसी ऐसी भयंकर जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है जहां होना नहीं चाहिए. एंड एज अ रिजल्ट जो रिटर्न्स मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे. सो आई विल शेयर विद यू कि इस साल मेगा 2020 में आपने कॉन्शियसली, कॉन्शियस मतलब लास्ट मेगा अच्छा मैंने लिया था लास्ट ईयर, तो आई हैड स्पोकन ऑन दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड बी कॉन्शियस, जागरूक रहो, जागरूक रहो, ये लास्ट ईयर मैंने बात करी थी. तो कॉन्शियसली हम लोग अपने इस करेंसी को, जिस करेंसी का नाम क्या है? टाइम. इस करेंसी को हम जागरूक रूप से कहां इन्वेस्ट करेंगे ये अपने ताबे में लेते हैं, ये अपने कंट्रोल में लेते हैं. और अगर हमने कॉन्शियसली इन्वेस्ट किया तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं, एटलीस्ट उसके नजदीक तो मिलेगा जो हम चाहते हैं. कॉन्शियस होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, कॉन्शियस मतलब क्या? अभी आप बैठे हो इधर और ये मेरी स्क्रीन में, मैं इधर आ रहा हूं, सडनली अगर ये कैमरा घूम गया और आप आ गए स्क्रीन में, आप फिर क्या करोगे? सडनली ऐसा सीना चढ़ा हो जाएगा, सडनली ऐसा स्माइल, चेहरे पर स्माइल आ जाएगी. अभी जैसे भी तुम बैठे हो खड़ूस, सडनली वो देखा तुमने क्रिकेट मैचेस में क्या होता है. तो This will happen because you have become conscious of your presence. आप जैसे बैठे हो आपकी body language चेंज हो जाएगी. हम down होते हैं, हम थोड़े से unproductive होते हैं because हम conscious नहीं होते. Conscious लोग कभी गलत choice नहीं करते. For example, sadness और happiness में कौन सा अच्छा है? कोई rocket science तो नहीं है. Happiness is more better. तो अगर आप जागरूक रहे तो आप क्या चूज करोगे? लेकिन अगर आप सैड हो, इसका मतलब क्या है? आप कॉन्शियस नहीं हो, आप अनजाने में उदास बैठे हो. लेकिन अगर आपको मालूम पड़ गया, अरे ये तो अपनी चॉइस है, फिर आप क्या करोगे? भाई ऐसे कैसे सैड हो सकते, बिकॉज ये तो अपना चॉइस है. तो जब आप जागरूक हो गए, यू विल मेक द राइट चॉइसेस. हम जागरूक नहीं होते, ये प्रॉब्लम होता है. सो इस साल हम जागरूक रहेंगे, एंड जागरूक रहेंगे कि ये करेंसी कहां इन्वेस्ट करें. आई विल गिव यू अनदर एनालॉजी विच इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी. अभी मैं पीछे बैठा हुआ था ग्रीन रूम में,
तो पीछे ये सिमेसिस कॉलेज है, दे हैड बड़ा हंगामा चल रहा था, दे हैड सम पेपी लाइव म्यूजिक एंड आई थिंक दे हैड अ फन फेयर, ऐसा कुछ चल रहा था पीछे, आई डोंट नो, वो बॉल से ग्लास पर तोड़ने की आवाज़ आ रही थी, एटलीस्ट चलो कोई तो कॉलेज जहाँ मस्ती हो रही है. सो आई गिव यू कॉन्सेप्ट ऑफ अ फन फेयर. कॉलेज में फन फेयर होता था, सोसाइटी में, कॉलेज में, कहीं शहर में. तो फन फेयर का मतलब क्या, आप जाते हो फन फेयर में और जैसे ही आप एंट्री मारते हो तो वो आपसे कहते हैं भी आप एक कुछ करेंसी ले लो. तो आप उनकी करेंसी लेते हो, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के ऐसे कुछ आपको कॉइन्स देते हैं या फिर आपको वो कूपन्स देते हैं. एंड देन अंदर जाते हो आप तो बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं और उन स्टॉल्स में आप वो करेंसी को खर्च कर सकते हो. एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स होती हैं, कोई गेम्स की होती हैं, कोई वड़ा पाव की होती हैं, श्रीकांत कोई वड़ा पाव पाव भाजी की स्टॉल होती हैं, कोई कोई वो लाल नीला पीला पीला गेम होता है ना वो खेलते हैं वाली स्टॉल होती है, कोई कार्ड्स की होती है, कोई मेरी गो राउंड की होती है, कोई कोई गिफ्ट्स की होती है, अलग अलग स्टॉल्स होती हैं. और सब स्टॉल में जो लोग बैठे होते हैं वो क्या करते हैं आपको देख के, आपको बुलाते हैं, आपको बताओ वाह वाह वाह, बिकॉज दे वॉन्ट योर करेंसी, एम राइट और नॉट. और आपके पास वो करेंसी है और आप जब आपने जब वो करेंसी ली तो आपको उस मेले वाले ने बोला, फनफेयर वाले ने बोला, भाई ये करेंसी है नॉन रिटर्नेबल रिटर्नेबल करेंसी है और जब ये करेंसी खत्म हो जाएगी तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा क्योंकि अंदर तुम कुछ कर भी नहीं सकती हो. तो आप उस करेंसी को लेके जाते हो और आप उस करेंसी के जाने से अंदर जाने के बाद आप उसको स्पेंड करते हो ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज. आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि जिसको मालूम नहीं होता कि उसको कहां करेंसी खर्च करनी चाहिए तो वो कहीं भी खर्च करता है. Because the law of life says, if you don't know what you want, then the world knows better what you should get. अगर आपको नहीं मालूम आपको क्या चाहिए तो फिर दुनिया को मालूम है आपको क्या मिलना चाहिए. You go to a restaurant and if you don't know what to eat, who knows better? Am I right or not? आपको नहीं मालूम क्या खाना है तो वो ही बताएगा ना क्या खाना चाहिए. You go to a shop to buy a garment और आपको नहीं मालूम कौन सा कलर का खरीदना चाहिए गारमेंट, किसको मालूम है? सेल्समैन. You don't know which course to choose. Who knows better? Youngsters, your friends, the peers around you. And if you don't know whom to get married, who knows better? Papa! तो ये लॉ है दुनिया का, अगर आपको नहीं मालूम आपको क्या चाहिए तो दुनिया को तो बिल्कुल ही मालूम आपको क्या मिलना चाहिए. So I'm just saying, इस साल आप जब मेगा 22 में जा रहे हो, इस साल you should be clear about what you should, where you should invest your currency. तो अगर ये मालूम पड़ जाए तो बढ़िया रहेगा. तो आप जाओगे तो आपको बहुत सारी स्टॉल्स बुला रही हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ स्टॉल्स पे जाएं और उनको मैं 8 अलग स्टॉल्स का नाम देता हूं. There are 8 stalls where you should spend your currency, because करेंसी खर्च तो होनी है, तो क्यों ना हम वहां चूज करें जहां हम लोगों ने खर्च करना चाहिए. तो एक समझदार इंसान उस हॉल के अंदर, उस फन फेयर के अंदर जाने से पहले क्या करेगा, वो बाहर का नक्शा देखेगा, इस नक्शे में कौन सी स्टॉल कहां पर है, वो पूछेगा भाई ये स्टॉल इधर है क्या, ये स्टॉल इधर है क्या, और वो मार्क करेगा कौन कौन से स्टॉल में उसको जाना है, क्योंकि करेंसी लिमिटेड है. ये अनलिमिटेड करेंसी नहीं है, 365 ही दिन है, 52 ही हफ्ते हैं, 8000 ही घंटे हैं, यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल मिनट मोर. तो ये कॉन्शियस होना बड़ा जरूरी है कि मैं ये करेंसी कहां खर्च करूंगा. तो पहली स्टॉल जो आपको जाना चाहिए वो आपकी स्टॉल हो गई, स्टॉल ऑफ हेल्थ. क्या आपने अपनी करेंसी को, जो समय है, उसके अंदर आपने हेल्थ वाले स्टॉल पे जाना चाहिए. वो इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं ना, देयर समथिंग कॉल्ड SIP, मालूम है? SIP सुना है क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. There is something called HIP, not this HIP. Health Investment Plan. हर दिन सुबह, हर दिन आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा, depending on how much, आपका health पे investment होना चाहिए. If it is not happening, then that time will be invested in sleeping. It will be invested somewhere else. क्योंकि ये time जाने वाला ही है, ये stall का पैसा बचने वाला नहीं है. कि 365 दिन के बाद आप बोलो देखो मेरे 20 दिन बच गए, ये ऑफिस का सिक लीव वाला कार्यक्रम नहीं है कि मेरा पे बच गया तो मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा. ये 65 दिन गए, 365 तो गए, दे विल नेवर कम बैक अगेन. सो फर्स्ट स्टॉल यू शुड विजिट. और इसका इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? हाँ जी, हेल्दी लाइफ, ओके, व्हाट एल्स?
मोर करेंसी, हाँ देखा आगे का एक अच्छा करेंसी मिल सकता है। दूसरी बात, जब आप ऐसा जाओगे 60 के ऊपर 65 के ऊपर, तो आपकी जो दूसरी करेंसी है जिसके पीछे आप भाग रहे हो, कौन सी वाली, वो करेंसी कम खर्च होगी इसको संभालने में। जो अभी आप कमा रहे हो, ये सारी कमाई उस खर्चे का प्रोविजन है जो तुम करने वाले हो। तो अगर अभी तुमने HIP में, हिप में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो सारी कमाई वहां लगने वाली है। शायद तुम अपने घर वालों की भी लगा के जाओगे, कुछ लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं, सबको लेकर जाऊंगा। गारंटी देखो कुछ नहीं है, आपने SIP किया, आपने HIP किया, गारंटी कुछ नहीं है कि आपको आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप लंबी लाइफ जियोगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी, वी आर ह्यूमन बींग्स, वील क्रिएट अ पॉसिबिलिटी, हम पॉसिबिलिटी क्रिएट करेंगे एक अच्छी जिंदगी की। गारंटी कुछ नहीं है। तो अगर आप हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, यू हैव अ लॉन्गर लाइफ मे बी, यू हैव अ डिजीज फ्री लाइफ मे बी। एंड जब आप डिजीज फ्री लाइफ जीते हो, मेरी बात का विश्वास करो, इस बात को आप मानो, यह आपके लिए नहीं है। जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, बूढ़े भी किसी भी एज में हो आप, और आप बीमार हो गए, कौन ट्रबल में आता है, जो आपसे मोहब्बत करती, उनको आपसे मोहब्बत करने का इनाम मिलना चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह मेरी आपसे बात है। तो अगर उनको इनाम मिलना चाहिए, तो लंबी उम्र का डिजीज फ्री इनाम मिलना चाहिए उनको, कि वो कहें, बच्चे कहें, अरे मेरे दादा को देखो, मेरी दादी को देखो, एकदम फिट है। 60 में आदमी खाट पे पड़ा हुआ है, भाई एक साल प्यार दिखाएगा बच्चा, दो साल बच्चा प्यार दिखाएगा, 4-5 साल बच्चा ही खुद प्रार्थना करेगा भगवान, सारा प्यार निपट जाएगा, am I right or not? और उस इंसान की मुक्ति will become the freedom of the house. क्या ऐसा जाना चाहते हो? गारंटी कुछ नहीं, लेकिन कम से कम अपने हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करो, कि जब आप जाओ तो एक लोग कहने, अरे अभी तो खड़े थे, अभी निकल लिए, कमाल यार, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग पूछें, गए क्या, अभी तक नहीं गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी तक नहीं गए, कमाल यार। सो आई ऑलवेज विश एंड आई ऑलवेज प्रे एंड आई से गॉड, एनीथिंग विच यू वांट टू गिव टू मी, तो मुझे इतनी गिफ्ट देना कि आई शुड ट्रबल द लीस्ट माय लव्ड वंस, कि मेरे वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए शरीर के रूप से, और वो दुख देने का कारण मैं ही हूंगा, और दुख ना देने का कारण भी मैं ही हूंगा। सो इस हेल्थ को लाइटली मत लो यार, और बहुत से लोग लाइटली लेते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ नहीं ना, तो होने का वेट कर रहे हो, फिर कुछ होगा तो करेंगे, फिर होगा तो करेंगे, तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मेंटेन ही कर सकते हो, यू कांट मेक इट बेटर। सो पहला इन्वेस्टमेंट आपका, पहले स्टॉल आप जहां जाओगे, वो स्टॉल कौन सी है, दिस ईयर शुड बी अ हेल्दी ईयर फॉर यू, आप जैसे भी हो उससे हेल्दी बनने चाहिए, ये वादा करो खुद से, एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉल। द नेक्स्ट स्टॉल इज द स्टॉल वेयर यू डू योर बिजनेस, यू डू योर प्रोफेशन, यू डू योर एकेडमिक्स, जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप उस स्टॉल में टाइम दो जिसमें आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। बहुत से लोगों का जो प्रोफेशन है, बहुत से लोगों का जो बिजनेस है, वो बिजनेस हैज बिकम एन एक्सप्रेशन ग्राउंड ऑफ एंगर, ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जबकि वो बिजनेस, वो प्रोफेशन, वो पढ़ाई उनके लिए एक्सप्रेशन ग्राउंड होना चाहिए ऑफ ऑफ व्हाट दे आर। आप जो हो वो दिखना चाहिए आपके बिजनेस से, आप जो हो वो दिखना चाहिए आपके प्रोफेशन से, आपकी पढ़ाई से, कि यार ये इंसान ऐसा है। क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं, हम 1000 लोगों से मिलते हैं, हम प्रोफेशन करते हैं, काम करते हैं, तो हम बहुत लोगों से मिलते हैं, और उस मिलने में हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है, उस मिलने में हमारा कम्युनिकेशन होता है, उस मिलने में हमारा उनसे बोलचाल होती है, और फिर असली में लोग देखते हैं हम कौन है। सो योर प्रोफेशन, योर बिजनेस, उसमें जब इन्वेस्ट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या मिलता है आपको, द अदर करेंसी कॉल्ड मनी, ठीक है, ओके, लेकिन उससे बड़ा कुछ मिलता है आपको, हाँ, नाम, यू गेट योर नेम, यू गेट योर फेम।
आपका नाम, आपका सम्मान, आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत, आपकी वाहवाही दुनिया में तभी होगी जब आप अपने काम में कुछ कर जाओगे। अगर काम में कुछ नहीं कर पाए तो फिर वो एक दर्जा आपका रह जाता है जो आपको मिलना चाहिए। सो यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम। तो बहुत से लोगों ने अपने प्रोफेशन को एक जरिया बना दिया सिर्फ टू अर्न मनी। और फिर क्या होता है, जब ये जरिया होता है ना सिर्फ पैसा कमाने का, तो जब हल्का पैसा आ जाता है, नॉट बिकॉज दे डिड ग्रेट वर्क, नॉट बिकॉज दे डूइंग ग्रेट बिजनेस, बट बिकॉज पैसा आ गया कैसे भी करके, मार्केट बढ़िया था, चल रहा था, धकम पेल काम चल रहा था, बहती गंगा में उन्होंने भी हाथ धो लिए, कुछ पैसा आ गया, फिर क्या करते हैं उस पैसे का, ये कहीं इन्वेस्ट कर देती जहां से और पैसा कमाने का सोचते। दे डोंट थिंक ऑफ ग्रोइंग द बिजनेस। इसलिए नाम नहीं होता, इसलिए एक स्टेटस नहीं बनता, इसलिए एक पहचान नहीं बनती, इसलिए वो काम अच्छा नहीं होता, इसलिए और लोगों से मिलना अच्छा नहीं होता। योर इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस इज ऑल अबाउट डूइंग दैट बिजनेस बेटर। योर इन्वेस्टमेंट इन योर प्रोफेशन इन योर जॉब इज ऑल अबाउट आप वो काम अच्छा करें। योर इन्वेस्टमेंट इन योर स्टडीज इज ऑल बिकॉज आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आप अच्छा उसमें अपना नाम करें एज अ स्टूडेंट। सेकेंड स्टॉल यू शुड विजिट इज द स्टॉल ऑफ योर बिजनेस, प्रोफेशन और स्टडीज। थर्ड स्टॉल विच यू शुड विजिट इज द स्टॉल ऑफ अपग्रेडेशन। ना फॉर यंगस्टर्स अपग्रेडेशन तो हो ही रहा है, तो उनका बेचारे को मजबूरी में होता है द अपग्रेड। बट बहुत से लोगों का अपग्रेडेशन इट स्टॉप्स आफ्टर दे हैव ग्रेजुएटेड, आफ्टर दे हैव फिनिश्ड द स्टडीज। अपग्रेडेशन इज सच अ वंडरफुल थिंग। अरे कुछ तो नया सीखो, कुछ तो नया समझो। ये 2020 ऐसे मत जाने दो कि जैसे 19 निकल गया। अरे बांसुरी सीख सकता है इंसान, लास्ट टाइम मैंने चालू किया है सीखना, इसलिए बोल रहा हूं। यू कैन लर्न गिटार, यू कैन लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, यू कैन लर्न तबला, यू कैन लर्न सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बट यू कैन लर्न गिटार, हारमोनिका, कुछ तो सीख सकते हो तुम लोग। नहीं समझ में आया लोगों को, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो गया था मैं लोगों के लिए। कुछ नया अपने काम में स्किल, कोई काबिलियत, जब आप इन्वेस्ट करते हो अपने स्किल अपग्रेडेशन में तो क्या मिलता है रिटर्न में? हाँ, सेटिस्फैक्शन। और क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस। एक इंसान जिसने कुछ सीखा है नया, जिसने कुछ नया समझा है, वो कैसा होता है? ही इज कॉन्फिडेंट। और कैसा होता है? एक्साइटेड होता है, फ्रेश होता है, महकता है वो इंसान, बासी नहीं होता है। बहुत से लोग बासी घूम रहे हैं, 2010 के फूल घूम रहे हैं। मैं गार्डन वाले फूल बोल रहा हूं जो मुरझा गए थे 10 साल पहले। कैसा भी करके रोज पानी डालते, लेकिन भैया तुम 10 साल पुराने हो, तुम्हारा वारंटी गारंटी खत्म हो गया है 10 साल पहले। तुमने नया क्या सीखा, तुम नया क्या समझा, नई बातें क्या है करने को, नया कुछ करने को सोच में है क्या? लेकिन जब आप किसी इंसान से मिलते हो जिसने खुद को अपग्रेड किया, जिसने कुछ काबिलियत सीखी, जिसने कुछ कौशल सीखा, जिसने कुछ नया अपनी लाइफ में लाया, उससे मिलके एक फ्रेशनेस का फील आता है। उससे आधा घंटा बात कर लो, आप ऐसा निकलोगे बाहर जैसे आप किसी गार्डन से बाहर निकले हो। सो इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग समथिंग न्यू। ये आपकी स्टॉल नंबर 3। चौथी स्टॉल, द स्टॉल ऑफ योर रिलेशनशिप्स। क्या आपके जो रिश्ते हैं उन स्टॉल पे जाओ। और आपके रिश्ते, कुछ चंद रिश्ते हैं जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है बेटा? मैं अगली बार तेरा सीट चेंज करवाऊंगा, देन तू फिर बिंदास बोलेगा। तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं, देखो बहुत से लोग ना एक कट टू कट लाइफ जी रहे हैं। होता ना कॉलेज में TTMM, तू तेरा देख मैं मेरा दिखता हूं, am I right or not? वो बैठे कैंटीन में, 2 रुपए उसने कहा, 2 निकाले, 4 मिलके। तो दैट्स हाउ इट इज फॉर मेनी पीपल। वो अपने पड़ोसियों के साथ दे लिविंग अ TTMM लाइफ। मिलना नहीं, जुलना नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। आते हैं सुबह, शाम को चले जाते हैं, शाम को, मतलब देयर इज नथिंग, नो कनेक्ट। सो द लाइफ इज सच अ ड्राई लाइफ। और उस चक्कर में क्या होता है, रिजल्ट देखो क्या होता है। यू एंड अप बीइंग इन अ सिचुएशन कि आपके पास लोग नहीं होते बात करने के लिए। आपको 2 बार लोग याद आते हैं लाइफ में सबसे ज्यादा। एक, जब आप बहुत खुश होते हो, am I right or not? जब आप बहुत खुश होते हो, बहुत खुश होते हो, बहुत खुश होते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी फ्यूचर में श्रीकांत, यू मैरिड? नो, हो जाएगी, चिंता नहीं कर, लोड मत ले, थोड़ा सा हेल्थ पे काम करेगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़े भाई की हो गई, अच्छा ठीक है। यू हैव अ चाइल्ड अभी? अच्छा, ये तुम किस किस को ऐसे, पापा को, बड़े भाई को, ऐसे तुम ऐसे लाइन, ऐसे सब पूरी फैमिली बैठी हुई। तो बड़ा भाई कौन है? अच्छा, शादी हो गई,
ठीक है, कुछ समय बाद तुम कार्यक्रम करोगे, ठीक है, ओके. सो मतलब अरे होगा ना, इफ इज एवरीथिंग इज ओके हिल हैपन ना. एंड पापा तो वेट कर रहे, तू कब करेगा राजा, कब करेगा. सो नाउ इफ इट हैपेंस कि यू हैव अ चाइल्ड, भाई एक खुशी की बात है कि नहीं है भाई. बच्चा अभी हम लोग हंस रहे लेकिन खुशी की बात थी. तो जब बच्चा होता है घर में, अगर आपका बच्चा हुआ और आपके घर में खुशी आई, आप क्या करना चाहोगे? सेलिब्रेट मतलब क्या है? आप कुछ लोगों को सबसे पहले हॉस्पिटल से फोन करना चाहोगे, am I right or not? ये कौन होंगे, आपके जानी दुश्मन? देख साले हो गया, देख. माय गॉड. आप किसको फोन करोगे? आपके सबसे नजदीक के लोग. तो कभी आपको बिजनेस में फायदा होता है, कभी आपको आप घर लेते हो, कभी आप ऑफिस की ओपनिंग कराते हो, कभी आप कहीं कुछ आपके साथ अच्छा होता है, कहीं इनाम मिलता है, कहीं रिवॉर्ड मिलता है. तो आप चाहते हो कि सबसे पहले आपके मन में कुछ लोग आते हैं, अरे यार इनको तो बताऊं, इनको तो बताऊं. बड़े दुख की बात हो गई कि अगर कुछ लोगों के पास वो लोग नहीं है जिनको फोन कर पाए, राइट, तो फिर परिवार के दो चार लोग ही होते, वही मजबूरी की आत्माएं होती हैं. तो ऐसे ना बनो कि आपके पास लोग ही नहीं है फोन करने को, क्योंकि आप इतना कट टू कट लाइफ जीते हो. और ऐसे भी ना बनो कि आपको कोई फोन ही नहीं कर रहा है, कि किसी घर में खुशी हुई आपको फोन ही नहीं कर रहे, आप पड़ोस में हो फिर भी आपको मालूम नहीं, वहां बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, कॉलेज चले गया, हाँ कब हुआ, अरे राजा 20 साल पहले हुआ था. तो ये क्या जिंदगी जी रहे हो कि कोई आपके पास नहीं है जिसको आप बुला पाओ और कोई आपको नहीं बुला रहा है अपने खुशी के मौके पे. तो खुशी में हम लोगों को याद करते हैं और दूसरा समय हम याद करते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, कोई दुख होता है, जब हम किसी दुख से गुजर रहे होते हैं तो हमें कुछ लोगों की याद आती है. काश ये बगल में खड़े हो जाए, अरे ऐसे कुछ लोग तो होने चाहिए कि कुछ लाइफ में हो, आपने ताबड़तोड़ फोन किया और वो सब छोड़ के आपके बगल में आ जाए, ये रिश्ते तो होने चाहिए. तो ये साल जो है, योर फोर्थ स्टॉल विच यू शुड विजिट इज द स्टॉल ऑफ रिलेशनशिप. वो बिजनेस का क्या फायदा, वो हेल्थ का क्या फायदा, वो नाम का क्या फायदा कि आपका इनर सर्कल भूखा है, कमजोर है, सूखा है. मेक योर रिलेशनशिप वेरी स्ट्रांग. द फिफ्थ स्टॉल यू शुड गो टू इज अ स्टॉल ऑफ डूइंग सम कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. डोंट कीप इट फॉर ओल्ड एज, डोंट कीप इट फॉर सर्टन टाइम, डोंट कीप इट फॉर कि हम कुछ हो जाएंगे तो हम करेंगे, गिव सम टाइम. क्योंकि जितना आप समाज में थोड़ा समय दोगे ना, उतना आप उससे कनेक्ट होते हो. ये साइंस ने प्रूव किया है. वी हैव सर्टन हॉर्मोन्स विच वी रिलीज इन साइड एंड दे आर कॉल्ड हैप्पी हॉर्मोन्स. दे कॉल्ड हॉर्मोन्स विच कीप अस लाइट, हैप्पी, इन अ वेरी डिफरेंट मूड. तो मैं जितने स्टॉल्स बता रहा हूं आपको, हर स्टॉल में आप जाओगे तो आपके अंदर एक हैप्पी हॉर्मोन रिलीज होगा. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके अंदर रिलीज होता है एंडोर्फिन. एंडोर्फिन्स आर वेरी हैप्पी हॉर्मोन्स. उनसे अंदर कुछ खुशी होती है, कुछ एक एक्साइटमेंट आता है. जब आप बिजनेस में होते हो, बिजनेस में आपका नाम होता है, लोग आपकी शाबाशी देते हैं, जब आप काम करते हो आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो फिर आपको अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामाइन. डोपामाइन इज अ हार्मोन विच कम्स आउट व्हेन यू आर यू रिसीव सम प्रेज, सम अप्रिसिएशन फ्रॉम समबडी. इट्स अ हैप्पी हार्मोन. तो एंडोर्फिन्स हो गए, डोपामाइन हो गया. जब आप समाज में काम करते हो किसी के लिए, या समाज मतलब किसी के लिए भी कुछ काम करते हो, यू रिलीज एन एंजाइम कॉल्ड सेरोटोनिन. ये एंजाइम होता है उस समय जब आप किसी के लिए कुछ करते हो जो खुद के लिए नहीं कर पा रहा है, तो अंदर से एक एंजाइम रिलीज होता है. और इसको अगर एक्सपीरियंस करना हो, मैं हमेशा बोलता हूं, इसको अगर एक्सपीरियंस करना हो ना, तो एक किसी अंधे इंसान को रोड क्रॉस करा के आप साइड करा दो, उस समय आपके अंदर एक अमेजिंग क्वांटिटी का सेरोटोनिन रिलीज होगा. एंड यू विल सी दैट समवेयर द फील गुड फैक्टर इज सो वंडरफुल कि आप कितना भी पैसा कमा लो, उससे वो फीलिंग नहीं आएगी जो इस इंसान को रोड क्रॉस कराने से आएगी. हम बहुत से लोग पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन वो एंजाइम्स का प्रोडक्शन हमारा नहीं हो रहा है. सब कुछ होने के बाद भी हम अंदर से खुश नहीं हैं, बिकॉज हम कहीं ना कहीं सही तरह के केमिकल लोचा नहीं कर रहे. इट्स ऑल केमिकल लोचा इनसाइड.
when you have relationship with you, we release an enzyme called oxytocin. When people hug you, when people are close to you, you release an enzyme called oxytocin. So, I'm talking about all the enzymes that we are getting in return mein milega as an investment, on this investment that we are doing. And if we haven't done this investment in these places, then you will do investment. Investment is still happening, sir. You will investment in whom? Facebook. And then you will put a post. And then you will check 10 times in a day. How many people have done it? One dog doesn't do it. और फिर तुम खुद ही कर लेते हो, चलो एक डॉगी तो है. और तुम देखो ना, कभी कभी जब तुम्हें लाइक मिलता है ना, अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, हमें जो है ना पर्सनल ऑक्सीटोसिन नहीं हो रहा है, पर्सनल डोपामाइन नहीं हो रहा है, तो हम फेसबुक के लाइक से ऐसा लाइक मिला ऐसा फील करते, वर्चुअल हो गया है. योर सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज कमिंग फ्रॉम पीपल हु आर लाइकिंग ए पोस्ट हु डोंट नो यू. Am I able to connect with you on this? आप virtual happiness में हो, virtual उस ज़िंदगी में जी रहो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको मत जियो, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा बन ही गया है. लेकिन जो असलियत है उसको तो मत छोड़ो. बड़ा ज़रूरी है that you do something in society. So you experience this enzyme called serotonin. किसी बच्चे को पढ़ा दो यार, किसी को खाना खिला दो, कुछ बड़ा नहीं करना है. लेकिन और हम खुदगर्ज लोग हैं, हमने वो एंजाइम को एक्सपीरियंस करना है. और वो एंजाइम को एक्सपीरियंस करे बिना मर गए तो फिर क्या जिंदगी जी यार. तो मेक इट अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट फॉर दिस ईयर दैट यू विल हैव सेरोटोनिन रिलीज इनसाइड व्हेन यू डू समथिंग फॉर सोसाइटी. कौन सा हो गया ये स्टॉल? 5, 6 ये 6 था, 5वां था, कौन सा था? हाँ, अभी आया 5वां. सोच छठा, गिव सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द स्टॉल ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भगवान, मंदिर, मस्जिद, जो भी. आई एम नॉट टॉकिंग, यू डिसाइड आपके लिए क्या. मैं आपको बताता हूं मेरी परिभाषा बीइंग स्पिरिचुअल की क्या है. द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल इज वी फील, वी बिलीव दैट वी आर पार्ट ऑफ समथिंग बिग. हम कुछ बड़े का हिस्सा है. जब हम मान लेते हैं कि हम और दुनिया अलग नहीं है, हम और यूनिवर्स अलग नहीं है, हम और ये पृथ्वी अलग नहीं है, तो हम उसका ध्यान रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये हाथ आपका है या किसी और का है? अपने हाथ को देख के देखो, मतलब मेरा आपका नहीं, मतलब तुम्हारा ही है. ये हाथ तुम्हारा है, इसको अपना मानते हो पक्का? इसको तुम काटोगे? इसको हार्म पहुंचाओगे? क्यों? ओ तुम्हारा है. लेकिन अगर तुम्हें किसी ने ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया, बिकॉज देयर हिप्नोटिस्ट जो स्टेजेस होते हैं ना, द पीपल हु हिप्नोटाइज, वो हिप्नोटाइज करते करते वो कहते हैं तुम्हारा हाथ ही नहीं है. तो वो अगर ऐसा आपको बता दिया कि आपका हाथ नहीं है, तो आप क्या करोगे इसके साथ? आप कुछ भी करोगे इसके साथ. जब आपको लगता है कि मैं ही, मेरा हिस्सा ही नहीं है, आप इसका ध्यान नहीं रखोगे. आई जस्ट वॉन्ट यू अंडरस्टैंड, जब आपका, आप अपने घर में साफ सफाई क्यों रखते हो? ये मेरा है. और फिर घर के बाहर, ये तेरा है. पिच करके घर बिल्कुल बढ़िया है, लिफ्ट में आते ही कोने में इधर पिच इधर पिच, क्योंकि ये मेरा नहीं है. प्रॉब्लम क्या है इस दुनिया में? व्हाई वी हैव टू हैव अ मास्क? बिकॉज हमने कहा हवा और मैं अलग है. आई एम एबल टू कनेक्ट विद यू ऑन दिस. पानी पॉल्यूटेड है क्योंकि हमने कहा नदी और मैं एक नहीं है, नदी अलग है मैं अलग हूं. तो मैं अपना देखूंगा, नदी तू देख ले भाई तेरे को जो करना है. जिस दिन हम ये समझ लें कि मैं और नदी एक है, मैं और हवा एक है, मैं और पर्यावरण एक है, मैं और पेड़ एक है, तो हम ना पेड़ काटेंगे, ना नदी को पॉल्यूट करेंगे, ना हवा को पॉल्यूट करेंगे. इससे सरल तरीके से मैं स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझा सकता. वेर यू सी अ पार्ट, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस होल वर्ल्ड. तुम अलग नहीं हो यार, तुम अलग नहीं. और कोई भी सृष्टि में प्राणी अपने आप को अलग नहीं मानता सृष्टि से, सिवाय इस आइटम के. इंसान, सारे जानवर, सारे पक्षी, सारे जीव जंतु, दे फील, दे बिलीव देर अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. तो कोई यूनिवर्स से हट के अलग काम नहीं करता. अगर सारे इंसान लुप्त हो जाए दुनिया से, दुनिया कैसी होगी? पानी कैसा होगा? हवा कैसी होगी? समुद्र कैसे होंगे?
आज हमारी वजह से बाकी लोग नहीं, बाकी जीव जंतु नहीं जी पा रहे. इफ द मोमेंट वी आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड द वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस. और सबसे इंटेलिजेंट कौन है? तो सबसे इंटेलिजेंट सबसे खतरनाक हो सकता है, सबसे विनाशकारी हो सकता है, ये हमने साबित कर दिया. सो लेट्स गो टू द सिक्स स्टॉल एज मच एज वी कैन बाय. तुम पूजा करो नहीं करो चलेगा, मुझे नहीं मालूम. तुम मंदिर जाओ नहीं जाओ मुझे नहीं मालूम. लेकिन कम से कम इस दुनिया को बुरा ना बनाओ यार, इस दुनिया को दूषित ना करो. और दूषित हो रहा है हवा पानी, और सबसे बड़ा दूषित हो रहा है ये इतना दूषित कर रहे हैं हम लोग. इस दुनिया को अच्छा बनाओ, दैट्स बीइंग स्पिरिचुअल. वी गो टू द सेवन स्टॉल ऑफ, हाँ जी, ट्रैवल. उससे पहले आता हूं एक और स्टॉल में, द स्टॉल ऑफ फाइनेंस. बहुत से लोग दरिद्र हो रहे हैं. दरिद्र, डोंट राइट दरिद्र हियर. कहीं कुछ सर ये कौन सा स्टॉल था हमें याद नहीं रहा. तो दरिद्र मतलब आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू हैव लॉट्स ऑफ मनी, मैं कह रहा हूं लेकिन दरिद्र बन के मत जियो यार. दरिद्र मतलब क्या, तुम्हारे खर्चे तुम्हारी आमदनी से बढ़े तो दरिद्र. और खर्चे करने का कार्यक्रम बहुत सेट है आजकल. एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन प्लास्टिक मनी एंड एन यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेंसिस लाइंड अप. आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, नो एम्बिशंस बढ़ गए हैं, चाहते बढ़ गई हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं मत बढ़ाओ, लेकिन साथ में आमदनी भी तो बढ़ाओ, मेहनत भी तो करो, उतनी कमाई भी तो बढ़ाओ. बट डोंट लिव अ दरिद्र लाइफ वेयर एवरी नाउ एंड देन आपको फाइनेंशियल प्रेशर है. अरे हफ्ता भरने का, अरे ई एम आई भरने का, अरे ये नहीं हुआ, अरे मर जा. दरिद्र आदमी. और ये दरिद्रता मेरे, ये सिर्फ पैसे से क्या होता है, ये आती है उसके परिवार में. तो उसके परिवार में उसका बिहेवियर दरिद्र, दोस्तों में दरिद्रता, समाज में दरिद्रता, बिजनेस में दरिद्रता. ये दरिद्र प्राणी हर जगह दरिद्र हो जाते हैं, सारे स्टॉल में दरिद्रता फैलाते, भयंकर फैला, पोल्यूशन क्रिएटर है ये. तो घर में उसका आइटम, तीन चार आइटम सब दरिद्र निकल रहे, छोटे छोटे बच्चे सब दरिद्र निकल रहे. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी सुपर रिच, बट आई एम सेइंग पैसे के मामले में इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न. आई एम सेइंग इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस हियर. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू गो एंड स्पेंड अ वेकेशन अब्रॉड, बट जहां जा रहे हो वहां तो जो आप कर सकते हो वो तो करो. नहीं जा सकते अब्रॉड नहीं जाओ, इट्स ओके. नहीं रह सकते बड़े होटल में, ठीक है, लेकिन जनता डिलक्स में कब तक रहोगे? थोड़ा सा दरिद्रपन से ऊपर आओ, ये पैसे का रोना कम करो. कौन सा स्टॉल है? स्टॉल नंबर 7. और 8 स्टॉल मेरा सबसे फेवरेट स्टॉल है, ट्रैवल एंड एडवेंचर. भयंकर, ये दिस इज माय फेवरेट. अगर मेरा बस चले तो मैं उसी में अट जाऊं. लिखो भी, द स्टॉल ऑफ ट्रैवल एंड एडवेंचर. दिस इज सच अ वंडरफुल स्टॉल एंड आई फील दैट इट डिफाइंस हु आई एम. मेरे घर में ना बहुत बार ऐसा होता है कि माय रिलेटिव्स कम एंड दे टॉक, मेरे पेरेंट्स से बात करते हैं, तो माँ बाबू जी से बात करते हैं, तो ये रिलेटिव्स हैं जो उनको जो बहुत साल से मुझसे मिले नहीं हैं, आप दूर रहते हैं बिकॉज आई हैव कम हियर टू पुणे. तो वो कहानियाँ सुनते हैं मेरे बारे में, ये कार रैली में चले गया लेह लद्दाख में, ये बाइकिंग चले गया, ये स्काई डाइविंग कर रहा है, ये स्कूबा डाइविंग कर रहा है. तो वो उनको समझ नहीं आता, तो जब लोगों को समझ नहीं आता तो वो समझाने लगते हैं. जब लोगों को समझ नहीं आता तो वो दूसरों को समझाने लगते हैं. तो वो मेरे पेरेंट्स को समझाते हैं, आप बोलो ना ये बच्चा क्या करता रहता है. अरे बच्चा 50 का हो गया है, लेकिन बच्चा, उनको बच्चा लगता है. तो बड़े बुजुर्ग चिंता करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स भी समझा नहीं पाते, क्योंकि वो भी मुझे समझा नहीं पाया आज तक कि मत कर. तो वो उनको अक्सर एक कहानी सुनाते हैं. वो कहानी है, जब मैं स्कूल में था इन माय होम टाउन, तो आई वाज इन क्लास, मे बी क्लास 1 और 2, और हमारा स्कूल 3.5 किलोमीटर अपहिल था. तो रोज़ सुबह ऊपर जाना, 3.5 किलोमीटर, रोज़ नीचे आना. यंगस्टर्स सुन रहे हो ना, 3.5 किलोमीटर जाना और 3.5 किलोमीटर आना. इस इज़ अ 7 किलोमीटर ट्रेक एवरी डे. तो कोई स्कूल बस वगैरह नहीं होती थी. आज गेट के बाहर स्कूल बस आती है, उसमें भी उसको लगता कि कोई वहां उठा के ले जावे. उसका बच्चा ले तो बेड के बगल में, मम्मी यहीं से इसी से ट्रांसफर कर दे बेड.
तो वो माँ ऐसी कहानी सुनाती है कि मैं स्कूल से घर आ रहा था एक शाम को, मुझे याद नहीं कहानी, मुझे इतना याद है कि घर में कुछ पटाखे फटे थे मेरे आने के बाद। कहानी ऐसी है कि वो मैं आ रहा था स्कूल से, तो मुझे कहीं रास्ते में एक छोटा सा पपी दिखाई दिया और वो पपी को मैंने उठाया और उसको घर लाने के चक्कर में मैंने अपनी किताबें वहाँ छोड़ दी रोड में और वो पपी को बैग में रख के मैं घर आ गया। जब मैंने वहाँ अपने बैग खोला तो उसमें पपी निकला और किताबें नहीं निकली। उसके बाद कुछ गाल गर्म हुए, लेफ्ट राइट जो भी गर्म हुए, तो अब मेरे पेरेंट्स समझा नहीं पाते इन लोगों को कि ये आइटम है कैसा। तो ये कहानी बोलते हैं, कहते हैं ये बचपन से ऐसी था। सो आई लेफ्ट माई होम टाउन व्हेन आई वाज 23 एट द राइट एज ऑफ 23, जब लाइफ सेट थी, बिजनेस सेट था, बढ़िया लाइफ चल रही थी, आई हैड द लग्जरीज ऑफ लाइफ। मेरा घर जो है मॉल रोड में था, घर की अगर मेरी खिड़की खोलो सामने लेक, नैनी लेक, एंड मेरे पूरे 25 से 23 साल जिंदगी के वहीं निकले। एंड वन फाइन डे आई लेफ्ट माई होम टाउन एंड आई टुक माई बाइक यामा 100 फ्रॉम देयर एंड आई रोड ऑल द वे टू दिल्ली। फ्रॉम देयर आई टुक अ ट्रेन, मुझे नहीं मालूम वो ट्रेन में क्यों बैठा, वो पुणे आ रही थी, पुणे में क्यों आना था, आई जस्ट डोंट नो। वो मैं दिल्ली में गया, स्टेशन में देखा ट्रेन पुणे जा रही है, मैं कहा चल पुणे चलते हैं। And I came to this Pune with just 5,000 rupees and I'm here. So when I look back and I realize ki meri life mein jo maine kiya, maine alag alag business kiye, kuch chale, kuch nahi chale, to ye main kyun kar paya, to mujhe samajh mein aaya ki mere andar ki adventure karne ki jo ek kabiliyat thi, uski wajah se main bahut kuch kar paya. And that spirit of being an adventurer, it somewhere, it went through all my other roles and especially in the role of my work and my life. Aur us chakkar mein bahut kuch kar paya. तो इसलिए मेरी लाइफ में ये नज़दीकी है। आई एम नॉट सेइंग आपकी लाइफ में भी एडवेंचरर होना चाहिए। इट कैन बी फाइनेंस, इट कैन बी स्पिरिचुअलिटी, इट कैन बी एनी अदर एस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन कोई ना कोई रोल सुपर रोल हो जाएगा आपका और वो बाकी रोल में अपनी महक, अपना फ्लेवर छोड़ेगा। एंड दैट्स हाउ आई बीन एबल टू डू वॉट एवर आई बीन एबल डू इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ दिस रोल ऑफ बींग एन एडवेंचर। सो आई एम सेइंग आपके पास टाइम है, आपके पास ये करेंसी है, अगले एक साल आपके सामने है और ये साल आपसे पूछ रहा है, अरे ओ सांबा 2021 में क्या कहानी सुनाएगा, और तुम बोलोगे 2021 में सुन मेरी कहानी सुन, और वो बोलेगा सुना। आज तो वो इंसान था जिसने कहा कहानी सुना, 2020 से अब खत्म होगा, 2021 बोलेगा मुझे अपनी कहानी सुना। तो आपकी कहानी इन कहीं ना कहीं 8 एरियाज में से आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाहर आप गए तो आपका पैसा जो करेंसी है समय की वो बर्बाद हो रही है। सो आर वी गोइंग टू बी फोकस्ड हियर? सो दीज आर 8 स्टॉल्स विच यू शुड विजिट। अब जब आप आओगे हर स्टॉल का एक ना एक क्वेश्चन को रिटर्न्स आपको रहेगा। ये रिटर्न्स से बचने के लिए या रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए देयर इज एन ऐप, ऑल ऑफ यू नो द ऐप, उसका अभी हमारी सालगिरह हो गई है, यू नो वी दिस इज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ आवर ऐप। कैन वी हैव द ऐप हियर? लाइफ अभी उसका नाम चेंज हो गया, वी हैड सम इश्यूज विद द अमेरिकन कंपनी, उसका नाम चेंज हो गया लाइफ लीडरशिप ऐप। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे इसको डाउनलोड करो, इट हैज ऑल द 8 स्पेक्ट्रम्स, ऑल द 8 स्टॉल्स आर देयर। उस सब में आप गोल्स सेट कर सकते हो, यू कैन सेट योर गोल्स, यू नो यू कैन हैव अ हैबिट बिल्डर, आपको सुबह उठाने की आदत लगा सकता है। आई एम जस्ट गोइंग टू रश थ्रू इट, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक मच अबाउट इट, मुझे एक सब्जेक्ट और लेना है। तो उसमें टू डू लिस्ट है, रोज क्या कर सकते हो, उसमें नोट्स लिख सकते हो, उसमें वीडियोस देख सकते हो मेरे, उसमें ब्लॉग पढ़ सकते हो मेरे, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से, उसमें लीडर बोर्ड है और उसमें अपनी लाइफ को रेट कर सकते हो कि मेरी लाइफ में मैंने ये 8 स्टॉल में जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ। बहुत ही पावरफुल ऐप बनाया है लास्ट 1 ईयर, वी हैव गॉट ग्रेट रिव्यूज ऑफ द ऐप, वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ डाउनलोड्स, पीपल आर यूजिंग इट, एंड एक लाइफ को अच्छे ढंग से जीने का एक बड़ा अच्छा तरीका हो जाता है, बिकॉज हम भटक सकते हैं और हम भटकते हैं, वी हैव टू कम बैक ऑन ट्रैक। तो हमें कौन याद दिलाएगा कि आपकी 8 स्टॉल्स कौन सी हैं, हमें कौन बताएगा कि आपने समय कहाँ कहाँ बिताना है? तो ये ऐप के थ्रू हम अपने गोल्स सेट कर लेते हैं। तो मेरे गोल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी गोल सेट किए अपने इस साल के, तो मेरे सारे गोल्स जो मैंने हैं खट 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 हर 8 एरियाज में मेरे गोल्स सेट है कि मैंने ट्रैवल कहाँ करना है, मैंने कौन कौन से कंट्रीज में जाना है, मैंने कौन कौन से टॉक्स देने हैं, मेरे सब्जेक्ट्स क्या होने हैं, मेरे हेल्थ पे मैंने क्या काम करना है। तो ये सब चीज़ों पे मैंने ऑलरेडी अपने आप को लाइनअप कर दिया है। जब लाइनअप करते हो तो एटलीस्ट यू हैव सम क्लैरिटी कि ये साल कैसे बीतेगा, नहीं तो आपको नहीं मालूम कि आपके समय के साथ क्या होना है, तो फिर किसको मालूम है? दुनिया को मालूम है। तो मैंने कहा मैं अपने समय को डिसाइड करूंगा मेरे साथ क्या होना है, बाकी फिर देखा जाएगा जो जैसा होगा, बट एटलीस्ट जो मेरे हाथ में वो तो मैं करूं। तो हमने ये ऐप किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप ऐप डाउनलोड करिए, इट्स ऑन ऐप स्टोर, इट्स ऑन गूगल प्ले, इट विल हेल्प यू टू मैक्सिमाइज योर लाइफ। और दूसरा मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके आज से लेके अगले
एक साल नहीं, अगले एक हफ्ते के अंदर एक दिन निकालना, एक दिन निकालना और अगले एक साल की प्लानिंग करना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वो 365 दिन अच्छे निकले उसके लिए एक दिन तो बनता है ना इन्वेस्ट करने को। दैट 365 डेज गो वेल, वन डे आई नीड टू इन्वेस्ट। तो हर एरिया में मुझे क्या क्या अचीव करना है वो करो। देन वी हैव, जस्ट टू हेल्प यू आउट, वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड लाइफ 360। तो ये प्रोग्राम है नेक्स्ट मंथ का, विच यू कैन कम एंड अटेंड। And we have added a wonderful module on goal setting. I'll be investing a lot of time on setting the goals for the coming year. So those of you who have not, how many of you are Chrysalians here? Can I have a shout out from you? Chrysalians? So, baki log samajh gaye aap? Kahan hai aap logon ne? So, I invite you on behalf of all of them to come for this program. It's a wonderful 3-day module and a lot of things happen here. Chalo, aage badhte hain. Can I take 10 minutes? Hello? Welcome! ओके ठीक है, तुम ऐसे बोलोगे नहीं तो फिर मैं फिर भी लूंगा। नाउ फॉर अस टू गो ऑफ ट्रैक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट, हर साल रेजोल्यूशंस होते हैं, हर साल हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम कुछ ये क्या उसको क्या बोलते हो आप, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, चीयर्स 31st नाइट को, राइट? एंड द रेजोल्यूशंस लास्ट एज लॉन्ग एज द हैंगओवर लास्ट। हैंगओवर खत्म, रेजोल्यूशन ओवर। सो आउट ऑफ मेनी रेजोल्यूशंस मैंने कुछ पकड़े हैं 4-5, उनको मैंने बोला है अफर्मेशंस। उन अफर्मेशंस को हम अपने साथ रखते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिंपल अफर्मेशंस हैं, आपने वो पढ़े भी होंगे, आपने सुने भी होंगे, कोई निराली बात नहीं कर रहा हूं। बट आई फील, जितना मैं देखता हूं आने वाले साल को, इसको मेगा 2020 बनाने के लिए ये 5 अफर्मेशंस बहुत जबरदस्त है। अगर ये हमने कर दिए, ये हमने कॉन्शियसली अपने आप को रिमाइंड किया बार 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 बार, तो हम इन अफर्मेशंस के हिसाब से इस साल को जबरदस्त मेगा 2020 बना के ही छोड़ेंगे। तो वो मैंने अफर्मेशन निकाले हैं, जस्ट टू शेयर विद यू दैट अफर्मेशन। पहला अफर्मेशन है, कैन यू हैव द अफर्मेशन प्लीज, आई चूज टू बी हैप्पी। नाउ हियर, इस अफर्मेशन में आप देखो, इट्स कोई रॉकेट साइंस वाला अफर्मेशन नहीं है, इट्स अ सिंपल अफर्मेशन विच सेज आई चूज टू बी हैप्पी। मतलब आई चूज टू बी हैप्पी, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? आई चूज, मेरी चॉइस है ये, किसी की और की चॉइस नहीं कि तू ये करेगा तो मैं हैप्पी होऊंगा। इट्स नॉट अ चॉइस दैट यू डू सर्टेन थिंग्स फॉर मी एंड आई फील हैप्पी अबाउट इट, इट्स माय चॉइस। यू डू थिंग्स, यू डोंट डू थिंग्स, आई विल डिसाइड टू बी हैप्पी, इट्स माय चॉइस। बिकॉज हम सब, वी आर डिजाइंड टू चूज, वी आर डिजाइंड टू चूज एंड वी आर डिफाइंड बाय आवर चॉइसेस। हम, हमारा जो मेकअप है, ये मेकअप हुआ है टू मेक चॉइसेस। हम जानवर नहीं है जो चॉइस नहीं कर सकता, जिसको सिर्फ मरण और भागने की चॉइस होती है, फाइट और फ्ली। हम इंसान है, वी कैन मेक चॉइसेस। यू मेड अ चॉइस टू बी हियर, एम आई राइट? डिड समबडी पुट अ गन ऑन यू? चल नहीं तो, यू केम हियर बिकॉज यू हैड अ लॉजिकल थिंग एंड सेड लेट मी गो। तो इस तरह हम चूज करेंगे हैप्पी होना। यहां तक क्लैरिटी है? इट्स आवर चॉइस। आपकी वाइफ कुछ करेगी और आप खुश हो गए, ऐसा नहीं। तू कुछ भी कर, मैं फिर भी खुश रहूंगा। वो इतना दुखी हो जाएगी कि आइटम अभी भी कुछ है। योर हैप्पीनेस इज योर चॉइस। नाउ अब ये कहना तो बड़ा आसान है। कुछ लोग कह रहे हैं, शक्ल से कह रहे हैं मुझे, सर मेरे घर आके देखो आप, आपने तो कह दिया। ऐसा होता नहीं सर, अपनी चॉइस ही का है सर, शादी भी मेरी चॉइस से नहीं हुई सर। Now, I want you to understand, when I say happy, what is happiness? Just a few minutes on this, what is happiness? जैसे हमने spirituality को simplify किया ना, इसको भी simplify करते हैं। और भयंकर logic है, state of mind, समझ नहीं आ रहा है, और simplify करो। जो परिस्थिति है उसमें comfort मिले, satisfaction मिले, उसको मोक्ष बोलते हैं। हाँ जी, एक्सेप्टेंस। ओके, खुशी का मतलब यह है, सिंप्लीफाई करते हैं। आप बंद कर दो ना मोबाइल को, यहां लाइव देख रहे हो, सेकंड रो से देखो ना मुझे। किसी और को दिखा रहे थे, देखो मैं यहां गई हूं।
Now, happiness is all about you taking a choice that I will be in the present. मैं वर्तमान में रहूंगा या रहूंगी, ये मेरा choice है. क्योंकि जो घट गया, जो हो गया, मैं उसका वैसे भी कुछ नहीं कर सकता. Am I right? जो आया नहीं, उसको भी मैं क्या करूं, क्योंकि वो आया नहीं. भाई मैंने किसी को तमाचा लगाना है, पर आएगा तभी तो लगाऊंगा. वो आया नहीं एक घंटे पहले से, आएगा साले को लगाऊंगा, आएगा साले को लगाऊंगा. जब वो आता है, हेलो, ऐसे तुम कर ही नहीं पाती कुछ. अरे जब आएगा तो लगाएंगे ना, तब तक तो खुश रहो. नहीं सर, वो फीलिंग निकल जाता है तो फिर लगाना ही क्यों है. आप फ्यूचर आया नहीं, पास्ट चले गया. जो चले गया उसको पकड़ के बैठे हो, इसको क्या बोलते हैं, येड़े. ये चले गया है. जो आया नहीं उसको लेके वो क्या बोलते हैं, बड़ा येड़ा. मुंगेरीलाल आया नहीं. जो है, आप घर गए, बच्चा वेट कर रहा है, पापा आएंगे एंड ही कम्स एंड ही जंप्स ऑन यू, ये खुशी है कि नहीं. अरे यार चेक नहीं आया, वो बच्चा पापा पापा कर रहा है. एंड यू आर बिजी विद द फ्यूचर चेक, आया नहीं. या फिर चेक बाउंस हो गया, जो हो गया उसके चक्कर में हो, जो हुआ नहीं उस चक्कर में हो, और जो हो रहा है उसको हम खो रहे हैं. So if you can, if you want to clap, you can clap. I choose to be happy. जब आप ऐसा बार 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 देखोगे, हर दिन आप देखो कुछ ना कुछ हो रहा है जो बहुत छोटा है लेकिन अच्छा हो रहा है, और दुनिया को नहीं पड़ी आपकी खुशी से क्या हो रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड, दुनिया को बिल्कुल नहीं पड़ी है कि आप खुश हो या ना खुश हो, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा. सपोज आप दुनिया को बोलोगे, कल मैं घर गया ना, बच्चा आया, मैंने उसको गले लगाया, बड़ा खुश हुआ, बोले तो उसके लिए कुछ नहीं है. वो कहता है मेरे को कुछ अगर देना है तो मुझे बड़ी न्यूज दो. तुम एवरेज चढ़े क्या? नहीं तो चुप रहो. तुमने कुछ मैराथन भागा क्या? नहीं तो चुप रहो. ये क्या बच्चों की कहानी सुना? ये हैप्पीनेस तुम्हारे लिए है, और जब तुम कुछ बड़ा करते हो वो दुनिया के लिए, तो बड़ा भी कुछ करो और छोटे छोटे पल को भी जीते रहो. तो घर गए, ऐसा गए, थके हारे पहुंचे हो, बैठ गए ओटे पे अपने स्टोव के बगल में, और वहीं जाके वाइफ खाना बना रही, वहीं से तवे में से गर्म फुल्का लेके एक उसको खिलाया, एक खुद खाया. उसको खिलाया पहले, याद रखना. तुम लोग भुक्कड़ इंसान, दरिद्र इंसान खुद ही खाता है पहले. So, बालकनी, समझ रहे हो ना? तो आई एम जस्ट सेइंग यू इट्स अ मोमेंट. उसके अभी तुम किसी को सुनाओगे, देखो मैं कल गया ना, कल मैं ऑटो में बैठा और उसने खाया, मैंने खाया, हम ऐसे ही करते रहे. क्या येड़े. वो उसके लिए बात ही नहीं है, बात आपके लिए. तो खुशी आपके लिए है, खुशी दुनिया के लिए नहीं. You choose to stay happy. और आप दुखी हो गए, आप इंसान हो, होगा. तो जैसे ही आप दुखी होते हो, आपने पहली चीज अपने मन में क्या बोलनी है, ये आई चूज. और अगर मैं चूज कर रहा हूं तो मैं दुखी रहूं या खुश रहूं, आंसर क्या आएगा, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी. तो इमिडिएटली कुछ करो जिसकी वजह से तुम खुश हो सकते हो. नाउ हैप्पीनेस इज एन इनसाइड आउट फैक्टर, बट ट्रिगर इज आउट फ्रॉम आउटसाइड. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ट्रिगर कैन बी फ्रॉम आउटसाइड, इट इज फ्रॉम इनसाइड. बाहर से खुशी नहीं आएगी, खुशी अंदर से आएगी, लेकिन ट्रिगर बाहर से आ सकता है. कुछ म्यूजिक लगा लो यार, राइट? कुछ अच्छा कर लो, किसी अच्छे दोस्त से बात कर लो, कुछ पेंटिंग कर लो, कुछ म्यूजिक सुन लो, कुछ म्यूजिक बजा लो, कुछ डांस कर लो, कुछ तो कर लो जिससे तुम उस सिचुएशन से बाहर निकलो. देखो दुखी आत्मा जो होती है, एक उदास आत्मा, वो चलता कैसे है? डज यू वॉक लाइक दिस? He walks with his eyes down, he walks with his shoulders drooping down. उसका chest अंदर होता है, उसका सर नीचे होता है, उसकी चाल में लगता है दुख भरी दरिद्र चाल है. और ये possible है, आप में मुझ में ये possible है. हमें ये दुख का क्षण कभी भी आ सकता है, ये कभी भी sadness आ सकता है, कभी भी ये system उड़ सकता है. Am I right or not? We are not God, we are human beings. और मैं human being की बात करता हूं. तो ये दुख होना, ये sad होना कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण बात है. लेकिन इससे निकलना भी साधारण बात है.
तो फटाफट ताबड़ जैसे ही रियलाइज होता है कि मैं दुखी हूं, सडनली सिंपलेस्ट थिंग ऐसे सीना चौड़ा करने का. अभी आप कैसे बोलोगे मैं दुखी हूं? मैं दुखी हूं. आई एम जस्ट सेइंग फिजिकली चेंज कर लो अपने आप को. स्टार्ट वॉकिंग फास्ट, ऐसा 3-4 चक्कर लगा लो फटाफट. यू विल सी दैट यू आर चेंजिंग ए फिजियोलॉजी. क्योंकि दुख के साथ फिजियोलॉजी एक होती है, सुख के साथ फिजियोलॉजी एक होती है. फिजियोलॉजी चेंज कर लो, अंदर का सिस्टम चेंज हो जाएगा. दोस्त से बात कर लो, सिस्टम चेंज हो जाएगा. कुछ कर लो किसी के लिए, सिस्टम चेंज हो जाएगा. पिक्चर देख लो, कार्टून देख लो, टॉम जेरी देख लो, कुछ तो कर दरिद्र इंसान, निकल बाहर उससे. सेकेंड अफर्मेशन है, आई चूज टू गिव नथिंग लेस देन माई बेस्ट. आई चूज टू गिव नथिंग लेस देन माई बेस्ट. इस साल मैं जो भी करूंगा, इस साल मैं जहां भी जो काम करूंगा, आई चूज टू गिव नथिंग लेस देन माई बेस्ट. जो मेरे अंदर है पूरा निचोड़ के दे दूंगा, पूरा. जो मेरे अंदर है पूरा जान लगा के काम कर दूंगा. फिर तुम्हें कौन रोक सकता है कामयाब होने से? फिर कौन रोक सकता है? हम ना कुंजम कुंजम देते हैं, इतने ही देंगे कुंजम कुंजम, और फिर सामने से बोलते हैं और तू क्या. अरे जब काम में निछावर नहीं करोगे, एक्सरसाइज करते समय निछावर नहीं करोगे, अपने रिश्तों में अपने आप को निछावर नहीं करोगे, तो कैसे मिलेगा वहां से सब कुछ? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? यू वॉन्ट द वर्ल्ड टू गिव यू एवरीथिंग दे हैव एंड यू विल गिव नथिंग ऑफ व्हाट यू हैव. ये सौदा नहीं होता बस. यू हैव टू गिव एवरीथिंग, नथिंग लेस देन योर बेस्ट. जब आप बेस्ट 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 देते रहोगे तो फिर क्यों नहीं मिलेगा? क्यों कोई नहीं देगा? आप घर में अपना बिहेवियर करते हो, बेस्ट 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 देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, कोई क्यों नहीं बदलेगा? अब डोंट गिव मी द लुक, सर आपको मालूम नहीं मेरे घर में क्या होता है. आपको नहीं मालूम सर मेरी सास कैसी है. अरे बाबा, स्टिल गिव योर बेस्ट बेस्ट. कब तक? जब तक है जान. अपनी कंपनी में बेस्ट देते रहो. तुम्हारा बॉस कब तक इग्नोर करेगा यार? कब तक आंखें मूंद के रखेगा? और मुझे बताओ, सिंपल लॉजिकल बात है, कोई इंसान अगर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, कोई इंसान हर चीज में अपना बेस्ट देता है, दोस्ती में बेस्ट देता है, बाहर जाता है पार्टी वार्टी होती है वहां बेस्ट देता है, बस में रहता है गाना बजाना करता है, बाहर जाता है डांस वांस करता है, वो हर जगह बेस्ट देने को तैयार बैठा होता है, ऐसे इंसान को कौन डिसलाइक करेगा? ऐसे इंसान को कौन नहीं रखना चाहेगा? अरे जब आप अपनी टीम के धोनी हो तो क्यों कोई निकालेगा तुम्हें? हम बने हुए वो खिलाड़ी, जो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता. और फिर कहते हैं देखो हमें लिया नहीं टीम में. दरिद्र. ये मेरा इस साल का फेवरेट वर्ड है, तो, अद्भुत और दरिद्र, इसके बीच में जिंदगी घूम रही है. देखो तो अपन अद्भुत काम करेंगे, अद्भुत परफॉर्मेंस देंगे, नथिंग लेस देन माय बेस्ट. एक्सेलेंस आई विल डिफाइन एंड आई एम नॉट सेइंग माय बेस्ट हैज टू बी कंपेयर टू दैट बेस्ट और हिज बेस्ट और हर बेस्ट. माय बेस्ट इज माय बेस्ट. कि इससे अच्छा मैं अभी के समय आज के दिन दे ही नहीं सकता था. Nobody is asking you the world's best. They're asking you your best. Your best. और जितना खुद पे फोकस करोगे उतना यू विल सी दैट यू विल बिकम बेटर एंड बेटर. सो सेकंड अफर्मेशन. थर्ड अफर्मेशन, आई चूज टू स्टे फोकस्ड. कि मैं फोकस रहा. आज तुम्हें भटकाने के बड़े रास्ते आ गए. आज तुम्हारा देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर मेकिंग नॉइस. डोंट गेट कॉट अप इन द नॉइस. डोंट गेट कॉट अप इन द नॉइस. There's so much of noise happening around. ये कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ये बातें हो रही है, वहां ये चल रहा है, वहां वो हंगामा हो रहा है. Don't get caught up. You are actually clouding. You are somewhere अपने दिमाग को तुम इतना अंदर ठोक ठोक के भूसा भरे जा रहे हो that आपका focus shift हो रहा है. जब आप focus करोगे, you will focus on what you want. You will keep on reminding yourself that this is what I want. आप अपने app में जाके बार बार हर हफ्ते हर दिन अपने goals को एक बार ऐसे पढ़ लोगे एक मिनट के अंदर. You will stay focused.
और फोकस होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, ये वी आर ब्लेस्ड विद फिजिकल एबिलिटी कॉल्ड राश, आर ए एस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इनसाइड. ये एक फिजियोलॉजिकल पार्ट है. उसमें क्या होता है, वो हमारा ब्रेन में इतना बढ़िया काम करता है कि जब हम फोकस होते हैं और अपने मन को बोलते हैं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपकी आंखें, आपका मन आपको वही दिखाता है. आपके गूगल की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो जो आपने बोला तब और तो वही दिखा देगा उसकी बात. यू टॉक ऑन योर फोन विद समबडी, आप ऑन करो तो आपको वो दे कैच तो व्हाट्सएप सब लेके वो एल्गोरिथम करके कर देता है. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दुनिया की बात कर रहा हूं. अगर आप कहते हो कि सब, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, आई गिव वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. जब मैंने सोचा कि आई गो फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर ऑन अ बाइक, तो हमने सोचा कि मोटरसाइकिल में हम जाएंगे, बुलेट लेंगे. और बुलेट सोचा मैंने, तो उससे पहले बुलेट की बात ही नहीं हुई मेरी लाइफ में. मैंने कभी बुलेट के बारे में सोचा नहीं. हमारी मीटिंग हुई एक दो घंटे के बाद, एंड देन द बुलेट केप्ट ऑन लिंगरिंग माय माइंड, के बुलेट बुलेट बुलेट. विश्वास करो, मैं निकला वहां से बाहर तो मुझे सड़क में बहुत सारी बुलेट्स दिखी. मैं ऑफिस में आ रहा हूं, कार में बैठा हूं, तो ढक 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 बुलेट की आवाज जा रही है. अगले एक हफ्ते तक मुझे बुलेट ही बुलेट, एज इफ की बुलेट कंपनी ने उस दिन सारी बुलेट छोड़ दी सड़कों पे. यू स्टार्टेड सीइंग समथिंग व्हिच यू आर फोकस्ड ऑन. तो अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप वो चाहते हो. तो क्यों ना वो देखो, क्यों ना वो फोकस करो जो आप चाहते हो, तो वो दिखना चालू हो जाएगा, ये बात पक्की. So I choose to stay focused. Bring your mind back. Bring your mind back. Bring your mind back. Fourth, I choose to give more than I receive. Bada important hai yaar. Tum log transaction se bahar niklo. Jitna milega utna hi dunga. Usme bhi corners kaat ke, kanni kaat ke, chindigiri, daridra wala kaam karke aur kam dunga. TDS kaat ke dunga. जितना मिलता है उससे ज्यादा देने की चाहत रखो यार. मेरे चाचा, उनका स्वीट्स का शॉप है, गोपाल चाचा, तो वो जब हम छोटे थे तो हम स्वीट्स शॉप में बैठते थे, रात भर काम करते थे वहाँ पर. तो उस समय तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल नहीं होते थे, तो वो जो तराजू होता ना, एक किलो का आप रखते हो, फिर वो तो हम मिठाई तोल के देते थे. तो उनका जो है ना, हमेशा जब वो मिठाई तोलते थे, उनका हमेशा 50 से 100 ग्राम मिठाई एक्स्ट्रा ही होती थी. कभी उन्होंने एक किलो, मतलब एक किलो नहीं दिया, वो एक किलो के ऊपर ही होती थी मिठाई. जितना मिला है उससे ज़्यादा देंगे तो अबंडेंस हमारे अंदर ही आता है. अबंडेंस की जिंदगी जीने का सबसे बढ़िया तरीका, जितनी पगार मिल रही है उससे और ज़्यादा काम करो, और ज़्यादा काम. जितना कस्टमर ने पैसा दिया है, और क्या दे सकता हूं इसको, और क्या इसको सर्विस कर सकता हूं, और क्या इसके साथ मैं सलूक अच्छा कर सकता हूं, ये सोचो. दोस्ती ने अगर आपके साथ कुछ प्यार की बातें हुई है कि दोस्त में उसने आपके लिए कुछ किया है, उसने आपको गाड़ी दे दी एक दिन चलाने को, उसने आपके लिए सपोर्ट किया, उसने आपको फाइनेंशियल हेल्प करी, उसने आपको जो भी हेल्प करी है, आपको पूछना है खुद से, और मैं क्या कर सकता हूं, आई हैव गॉट दिस मच, कैन आई गिव हिम दिस मच. जब ये देने की भावना आ जाती है तो मेरा विश्वास करो, ऊपर वाला इतना देता है कि तुम देते देते रहते हो. ऊपर वाला भी सोचता है तू दरिद्र है या तू अबंडेंस वाला है. अगर तू अबंडेंस वाला है तो वो तुम्हारे द्वारा ही देता है. वो रुका हुआ है कि तुम ऐसे देने वाले तो बनो. जब तुम लेने वाले बने होते हो तो वो तुम्हें भी देना बंद कर देता है. फिर ये साइकिल चालू होता है स्कर्सिटी का, दरिद्रता का. और जब देते हो तो एक साइकिल चालू होता है अबंडेंस का. ये एक सोच में डाल दो, इस साल जो भी मिलेगा आई विल गिव मच मोर, जो भी मिलेगा आई विल गिव मच मोर. उसने तुम्हारी शादी में, तुम्हारे बच्चे की शादी में कितने लिफाफे में कितना डाला, उससे हमें क्या करने का है. नहीं, उसने तो 2,500 दिया था, अपन भी 2,500 देंगे और 10 आदमी लेके जाएंगे खाने पे. वसूली मोड. अरे उसकी औकात 2,500 की थी, अपनी 5,000 की है, हम वो देंगे ना. How will he define my level? I will define my level. And my level is always to give more than what I receive. That's my level. And the fifth affirmation is sal. I choose to be grateful. Bade simple affirmations hain. But itne jabardast hain is sal, agar tumne isko yaad rakha, conscious rahe aur ispe jiye, bahut kuch possible hai. Bahut kuch possible.
अभी मैं बाहर गया था तो आई केम बैक टू पुणे और मेरे लिए एक बड़ा अच्छा सा लवली गिफ्ट, मुझे न्यू ईयर्स का गिफ्ट मिला. हर साल गिफ्ट मिलते रहते हैं, बट इस साल बड़ा अच्छा सा गिफ्ट मिला. एंड द गिफ्ट वर टू लवली कार्ड्स फ्रॉम टू लवली क्रिसेलियंस. और उन्होंने लिखा मेरे लिए एक पेज, रचना के लिए एक पेज, ऐसा दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने लिखा. एंड दे रोट अबाउट हाउ दे फील अबाउट अस एंड हाउ देयर लाइव्स हैव चेंज्ड बिकॉज ऑफ अस. एंड वो पढ़ा मैंने दो बार, तीन बार, चार बार, और ऐसा एक फीलिंग आया कि अरे दिस इज सो मच वी आर बीइंग थॉट अबाउट, दिस सो मच दे थिंक हाईली अबाउट अस. तो मैंने भी वो फील किया, रचना ने भी वो फील किया. और फिर मुझे एक ऐसा थॉट आया कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, सो दे आई वुड नॉट हैव रिसीव दैट कार्ड, तो वो कार्ड मुझे मिलना अलग बात है, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरा उनकी लाइफ में क्या योगदान है, उस सोचने से मेरा कुछ नहीं हुआ. मुझे तो मालूम भी नहीं कि वो मेरे बारे में सोच रहे हैं. लेकिन जब आप सोचते हो किसी के बारे में कि किसने आपके लिए क्या किया, आपके अंदर कुछ होता है. इट इज नॉट फॉर द पर्सन हु यू आर थिंकिंग अबाउट, इट इज फॉर योर ओन गुड दैट समथिंग हैपेंस इनसाइड यू. सो व्हेन समबडी हैज डन समथिंग फॉर यू, बी ग्रेटफुल. इट इज नॉट फॉर दैट पर्सन, इट इज फॉर यू. आपके अंदर कुछ फीलिंग जागृत होती है, आपके अंदर कुछ यू नो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, विच आर हैप्पी हार्मोन्स. You have such a high rush of acceptance of the fact that अरे यार इतनी अच्छी जिंदगी है. जब आप grateful नहीं होते हो, इसका मतलब क्या है, आप कृतज्ञ नहीं हो, चाहे किसी इंसान के प्रति, चाहे अपनी जिंदगी के प्रति, चाहे अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति, चाहे अपने देश के प्रति, चाहे अपने संस्कृति के प्रति. जब कृतज्ञ नहीं होते हो, grateful नहीं होते हो, तो आप उसको कैसा भी ट्रीट करते हो. और अक्सर लोग इतना बुरा ट्रीट करते हैं कि उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि वो चीज उनके हाथ से निकल जाती है. और एक दिन माँ बाप चले जाते, एंड वी वर नेवर ग्रेटफुल, एंड नाउ वी आर ग्रेटफुल टू द पिक्चर ऑन द फॉल. अभी कोई फायदा नहीं कितना भी ग्रेटफुल हो जाओ पिक्चर को, अब कितने भी श्राद्ध मना लो, कितना भी उनके एनिवर्सरी मना लो, अरे जब जीवित थे तुमने एक बार नहीं बोला कि वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं. जब ये संस्कृति चली जाएगी ना, तो संस्कृति के बारे में कितना भी ग्रेटफुल होगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. This culture has to be appreciated. This culture has to be respected. We have to be grateful. 45 plus civilizations were there 4,000 years ago. Only one survives till today. That is our civilization. We should be grateful. Kuch to hai. Kuch to hai hamari civilization. तो हम ये कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं अपनी कंपनी के प्रति, अपने बॉस के प्रति, अपने अपने काम के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति. एक ग्रेटफुलनेस, अरे यार ये है, अगर ये नहीं होते तो क्या होता, ये फीलिंग. और अक्सर ये फीलिंग किसी के ना होने के बाद आती है. अगर उनके होते हुए आ जाए तो आप बहुत कुछ कर लोगे. और एक ग्रेटफुल इंसान, एक कृतज्ञ इंसान कभी भी दरिद्र नहीं होता, अबंडेंस का होता है. बिकॉज ग्रेटफुलनेस इज ऑल अबाउट थिंकिंग आई हैव अ लॉट मोर देन व्हाट आई नीड. मुझे जो चाहिए उससे ज्यादा मेरे पास है. दीज फाइव अफर्मेशंस, पहला वाला कौन सा है, आई चूज टू बी हैप्पी. सेकेंड, आई शाबाश, कितना जल्दी भूल गए तुम लोग. ओके, आई विल हेल्प यू आउट. ओके, पहला वाला क्या, जोर से सब लोग बोलेंगे. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अब हम क्या करेंगे, इन अफर्मेशंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे. ठीक है, गिव मी टू मिनट्स मोर एंड वी विल पुट इट इन टू आवर लाइव्स. तो ऐसा हाथ करो, अपना हाथ करो और अपने हाथ को ऐसा देखो. यू गॉट फोर फिंगर्स एंड वन थंब, पांच किसी को एक्स्ट्रा. ठीक है सर, मेरे छह हैं, कोई बात नहीं. ओके, सो नाउ यू हैव, अभी अंदर ले लो, हो गया. नाउ वी विल हैंग वन अफर्मेशन इन वन फिंगर. ठीक है, तो थंब, ये थंब है, हम डालते ना फेसबुक में. सो ये थंब बोलता है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो. सेकेंड, ये फिंगर जो होती है ये है आपकी इंडेक्स फिंगर, ये सुदर्शन चक्र. ये फिंगर, ये फिंगर बोलती है
I choose to give nothing less than my best. I choose to give nothing less than my best. I choose to give nothing less than my best. I choose to give nothing less than my best. देखो ये मुझे मालूम है. तुम लोग कुछ लोग ऐसे बैठे हो कि आपको आता है क्या, मैं बताऊं ना. मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं राजा. तुम लोग सो ये जो एक्शन कर रहा हूं मैं, तुम लोग आई चूज टू गिव नथिंग. ये सारा नौटंकी तुम लोग के लिए कर रहा हूं और तुम लोग ऐसे बैठे हो. दरिद्र इंसान उठो. गेट योर फिंगर लाइक दिस राइट. सो अच्छा मुझ पर पॉइंट नहीं कर रहे हो तुम लोग. हाँ सो सेकंड वाला क्या बोलता है. आई choose to give nothing less than our best. One more time. I choose. Okay. अब ये वाली फिंगर, ये बड़ा कीड़ा काटने वाली फिंगर है. ये लफड़े करती है. I choose to stay focused. जितने भी लफड़े हैं तुम्हारे आसपास, तुम लफड़ों को बोलते हो I choose to stay focused. उन सब लफड़ों को तुम उंगली करते. आज के बाद कोई भी डिस्ट्रैक्शन आया और तुम क्या बोलोगे. आई चूज टू स्टे फोकस्ड. अभी भी कुछ आत्माएं हैं. I don't know where the finger is. Come on, lift it. Show me. You might hurt somebody. मालूम नहीं हाथ किधर है इनके. Ring finger. बड़ी अच्छी finger होती है. Ring finger. And this finger says, तुमने मेरे से शादी करी है. तुमने मेरे लिए कुछ किया है. तुमने मेरा ध्यान रखा है. तुमने मेरे को नौकरी दी. तुमने मुझे business दिया. तुमने मुझे प्यार दिया. I choose to give more than I receive. और ये छोटी फिंगर अक्सर इसको नजरअंदाज कर देती है. ऐसा लगता ही नहीं कि इसकी कोई जरूरत थी, लेकिन कान खुजाने में यही काम आती. So, ये लिटिल फिंगर ये बोलती है यार हमें भूलना नहीं है उनको जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है. हमें भूलना नहीं है उनको जिनकी वजह से हम बन पाए. हमें भूलना नहीं है उन लोगों को जिनकी वजह से हम कुछ कर पाए. हमें भूलना नहीं है उस चीज की वजह से जो हम, जिसकी वजह से हम आज जो है वो है. तो आई चूज टू बी ऐसे पांच अफर्मेशन इस साल के. I choose to stay happy. I choose to give more. I choose to give nothing less than my best. I choose to stay focused. I choose to give more than what I receive. I choose to be grateful. Paanch affirmations. Ye mutthi aisi band kar lo. Mega 2020 hoga. What this year has to give to us depends entirely on what we have to give to this year. तो कुछ समय पहले मैंने एक नोट लिखा था कि I will not wish you a very happy new year. I will wish you that you stay happy this year. I will not wish you that the year gives you the best. I wish you that you give your best to this year. I wish that you make the most of the coming year with all that which you have got in the last so many years by being grateful. Agar 2019 nahi hota to 2020 kahan se aata. Agar 2019 ki galtiyan nahi hoti to 2020 mein hum kya kar pate. So with all the respect and gratitude to the year that went by, for all that which we could do and we could not do, ut sabko dhyan mein rakhte hue, sabka maan karte hue, sabko mante hue, with gratitude we go into 2020. It is wonderful talking to you, addressing you today. Well, I had a great time
I felt awesome. मुझे मेरी तबीयत खराब है, मुझे उसका एहसास ही नहीं हुआ. और ये एक संगत का असर होता है कि जैसे संगत फिर वैसा आचरण होता है. तो आपकी संगत में मैं निखर के आया और मुझे लगता है कि 2020 फिर जबरदस्ती होगा मेरा. तुम लोग साथ रहोगे तो फिर हंगामा ही करेंगे. तुम लोग साथ होगे तो अद्भुत ही होगा. तुम लोग साथ हो तो फिर हंगामा ही होगा. तो अभी हम क्या करेंगे, टू वाइंड अप द प्रोग्राम आई हैव द म्यूजिक ऑन और म्यूजिक के साथ हम ये स्टेटमेंट्स को एक बार और दोहराएंगे. ओके एंड मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे कोई भी आत्मा दर्द दिखाई दी, कोई भी आत्मा दर्द दिखाई दी, विल हैव द स्टेटमेंट्स हियर फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, आपको याद रहेंगे वो स्टेटमेंट्स, लेकिन म्यूजिक के साथ हम लोग ऐसा वो स्टेटमेंट्स बोलेंगे. हम लोग वो स्टेटमेंट्स को एकदम बिल्कुल जोश के साथ खड़े होकर एकदम ऐसा किसी को देख के, किसी को देख के, आई चूज टू स्टे फोकस्ड. तो कितना भी कर ले, आई चूज टू स्टे फोकस्ड. ऐसा करके हम लोगों से बात करेंगे. एवरी स्टेटमेंट वी विल हैव एटलीस्ट 5 times. ठीक है, आर वी रेडी? ऑन योर फीट, कम ऑन एवरीबॉडी. Okay, 1, 2, 3. I choose to be happy. 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 Second one, choose to give nothing less than my best. I choose to give nothing less than my best. I choose to give nothing less than my best. I choose to give nothing less than my best. I choose to give nothing less than my best. I choose to stay focused. 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 I choose to give more than what I receive. I choose to give more than what I receive. I choose to give more than what I receive. I choose to give more than what I receive. I choose to be grateful. 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 I choose to make a mega 2020. I choose. Love you all. Have a fantastic 2020. Aaj ki sham kaisi thi? I can't hear you. I love you all.